आई थिंक अभी स्क्रीन भी सबको विजिबल होगी, राइट? ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बार मैं जरा चेक कर लूं इफ माय वॉइस इज ऑडिबल। माय वॉइस इज ऑडिबल, राइट? राइट राइट, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम आ गए हैं डिफेंस में, द लास्ट पार्ट। इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही हम अपडेटेड भी कंप्लीट कर ले इफ माय हेल्थ परमिट्स, अदरवाइज इसका एक और क्लास लगेगा। सो हम हैं डिफेंस पे, राइट? डिफेंस में आ रहे हैं हम सॉलिड फ्यूल डॉक्टर रामजेट टेक्नोलॉजी पे। ओके, जो ये रामजेट स्क्रामजेट आप सुनते हैं ना, दिस इज एक्चुअली एयर ब्रीदिंग इंजिन्स, है ना? जो इंजिन्स होती है, जैसे हमारी जो जेट फ्लाइट्स होती हैं, इन सबके फाइटर फ्लाइट जेट्स होते हैं, इन सबके है ना जो इंजिन्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एयर ब्रीदिंग इंजिन्स होते हैं। आपको पता होगा जैसे इवन इन आवर कार्स, राइट? हमारे कार्स में जो इंजन होते हैं उनमें कंप्रेसर लगे होते हैं, जो जो हेल्प करती है जो हमारी एयर है उसको कंप्रेस करने में। एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन वी आर ड्राइविंग रियली फास्ट, राइट, नॉट ओनली इन द केसेस ऑफ द दीज गुड फ्लाइट्स जो फाइटर जेट्स होती हैं, उन केस में अकेले ही नहीं, बाकी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी व्हेन वी आर बहुत तेज चलाते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको एक जो रुकावट फील होती है ना, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द फ्रिक्शन बिटवीन योर टायर्स एंड द रोड बट ऑल्सो द एयर, है ना? एयर भी एक टाइप का रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करती है। तो उस रेजिस्टेंस से बचने के लिए व्हाट द साइंटिस्ट और द पीपल केम अप विद इज दिस टेक्नोलॉजी, जिसको जिसमें हम जो हमारी इंजन होती है वो इंजन क्या करती है, कुछ ऐसा एक रफ आइडिया बना बता रही हूँ मैं आपको, नॉट नेसेसरीली ऐसे ही दिखे। अच्छा, नीचे डायग्राम है, 2 मिनट। तो हम क्या करते हैं, हमारे इंजन को कुछ ऐसा शेप दे देते हैं, ठीक है? और यहां से देखिए एयर का जो इनफ्लो होता है वो स्टार्ट होता है। तो इस डिजाइन से क्या फायदा होता है कि इस डिजाइन से द एयर दैट इज गेटिंग इनसाइड, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम होती है एयर की, है ना? बट जैसे यहाँ पे देखिए स्पेस कम होने लगता है तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर हमारी वॉल्यूम होती है किसकी, एयर की, वो कम हो जाती है और इसके कारण हीट जनरेट होता है और इस हीट से इस जो इंजन में फ्यूल है उसमें आग लगती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम एक्सटर्नल थिंग टू हैव क्या बोलते हैं हीट, या जिससे फ्यूल में आग लगे, उस कोई एक्सटर्नल इग्निशन की जगह, 2 मिनट है ना, प्लीज गिव मी अ मिनट। ओके, तो हम मैं ये बोल रही थी, फिर से आते हैं इस एरिया में, ठीक है? तो मैं कह रही थी कि यहाँ से जब एंट्री होती है किसकी, एयर की, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस था, यहाँ पे आते आते स्पेस कम हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर की वॉल्यूम कम होती है। क्या होती है, एयर की वॉल्यूम कम होती है, इस वॉल्यूम कम होने के कारण हीट जनरेट होता है और इस हीट से यहाँ पे लगती है आग, जो हमारे फ्यूल है उसमें इग्निशन होता है एंड देन योर जेट वर्क्स विद द फ्यूल, है ना? उससे पहले ऐसा नहीं कि उससे पहले उसमें इग्निशन नहीं थी, बट वो किसी दूसरे फ्यूल पे वर्क करता है, इस फ्यूल पे नहीं वर्क करता। ये मैं आपको एक्सक्लूसिवली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे जो रामजेट और स्क्रामजेट इंजन होते हैं ये नॉर्मल स्पीड्स पे वर्क नहीं करते, दे वर्क एट सोनिक, सबसोनिक एंड सुपरसोनिक्स, है ना? सोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है, वी नो दैट द स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं हमारा साउंड इज 346 meters per second, राइट? तो जो हमारा सबसोनिक होता है वो इससे कम होता है, सोनिक इसके यहाँ तक, जो सोनिक की स्पीड होती है वो यहाँ तक होती है, हाइपरसोनिक होती है यहाँ से हमारा मैक वन स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो मैक वन होता है सोनिक, उसके बाद मैक वन से मैक फाइव तक हमारा होता है क्या, सुपरसोनिक, मैक फाइव तक सुपरसोनिक, एंड देन अबव दैट वी कम टू हाइपरसोनिक,
है ना। तो ये रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एरियाज में वर्क करते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई कि नॉर्मल जो उसका इंजन होता है, देखिए जब तक वो ये अटेन नहीं कर लेता ना सोनिक या सबसोनिक स्पीड, तब तक वो नॉर्मल इंजन जैसे वर्क करता है। बट वंस इट रीचेस द सबसोनिक लेवल या सुपरसोनिक लेवल, वहां से इसका फिर ये वाला जो प्रोसेस होता है स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि एयर को कंप्रेस करने के लिए नीदर इन रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन आपके पास टर्बाइन्स, जो कंप्रेस करने के लिए टर्बाइन्स होते हैं वो होते नहीं है, कंप्रेसर्स होते नहीं है। ये नेचुरल जो हमारी एटमॉस्फेयर है अपने स्पीड का यूज करते हुए एरोडायनामिक टेक्नोलॉजी को, मतलब इतने अच्छे से वो अपने इंजन को डिजाइन करते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा एयर होता है कंप्रेस एंड देन वी यूज इट इन द स्क्रैमजेट एंड रैमजेट इंजन। तो रैमजेट एंड स्क्रैमजेट इंजन आर बोथ एयर ब्रीदिंग, मतलब जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिखाया ना कि कैसे उन लोग ये दोनों इंजन कैसे एयर का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इग्नाइट द फ्यूल। ठीक है, तो अब हम न्यूज में आते हैं। न्यूज क्या है हमारा, डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है SFDR। व्हाट इज SFDR? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। अच्छा, डीआरडीओ आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं, बट स्टिल डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1958 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन न्यू दिल्ली। देखिए एक ऐसा मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। 1965 से क्यों आपको बोला जाता है कि ये ईयर और हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए, 1965 से पहले जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने होंगे ना वो मोस्टली आपके न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड होंगे। ये याद रखने से आपको फायदा क्या होता है, ये जो आपका फाइंडिंग ईयर या किस ईयर में फाउंड हुआ ये आपको याद रखने से क्या फायदा होता है कि आप कई जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कमीशन नहीं पूछेगा कि इसका स्टेटमेंट नहीं देगा कि डीआरडीओ का क्या बोलते हैं फाउंड किस ईयर में फाउंड हुआ था या हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको नहीं होंगे। पर ऐसे स्टेटमेंट जरूर हो सकते हैं कि लेट अस से कि डीआरडीओ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो R&D विंग है वो न्यू दिल्ली में बनी थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना। तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए हर उसके बारे में, क्या बोलते हैं हर ऐसे एजेंसी के बारे में, स्पेशली डीआरडीओ जैसी जो हमेशा न्यूज में रहती है ना। तो 1958 एज आई सेड न्यू दिल्ली। अच्छा, इनकी कुछ स्पेशल मेजर असाइनमेंट्स या उनकी मेजर प्रोडक्ट्स है अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स। अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स आर बोथ बैलिस्टिक मिसाइल्स। उस पे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की डिफरेंस पे हम आगे आएंगे। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। तेजस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, ये आजकल हम एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। आकाश हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है और वाइड रेंज ऑफ रडार्स और हमारी जो इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक है अर्जुन, है ना, वो भी डीआरडीओ ने का मेजर रोल है इसमें, इसके इसको इन प्रोडक्ट्स को बनाने में। ओके, तो अब हम आते हैं SFDR टेक्नोलॉजी पे। इट इज अ मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम, जो मैंने बताया उसको प्रॉपर इंग्लिश में उन्होंने सजा के लिखा है। सिस्टम दैट इंक्लूड्स थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट विद रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर। तो इसमें स्मोक कम होता है, थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड होता है। थ्रस्ट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है ना, जैसे आप रॉकेट्स में देखते होंगे कि ऐसे होते हैं ना हमारे मोस्ट ISRO के, आपने जो वो देखे होंगे रॉकेट्स इनका जब वो होता है टेस्ट देखे होंगे, वो ऐसे वर्टिकल खड़े रहते हैं और वंस द इग्निशन हियर स्टार्ट्स, यहाँ से जो धुआं निकलना यहाँ पे फ्यूल पे आग लगती है एंड देन इट टेक्स द अपर जो ट्रैजेक्टरी होता है देन स्टार्ट होता है। तो ये थ्रस्ट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है सो दैट द जो हमारा रॉकेट होता है वो क्या यूज करता है, फ्यूल से निकलने वाली जो एनर्जी है जो नीचे की तरफ से निकल रही है उसकी मदद से हमारा रॉकेट आगे ऊपर उड़ता है, राइट। सो दिस इज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट विद अ रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस बूस्टर। तो फर्स्ट फ्लाइट ऑफ SDFR टेस्ट की गई है। इंडो रशिया की R&D प्रोजेक्ट है ये, मतलब इंडिया और रशिया की, और इट हैज अचीव्ड Mach 18, मतलब सॉरी Mach 3 टेस्ट किया था 2018 में, और Mach 3 मतलब 3 times द स्पीड ऑफ साउंड इट हैज ऑलरेडी अचीव। और ये क्या सॉलिड फ्यूल एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन है। सॉलिड फ्यूल्ड मतलब जो उसका फ्यूल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, राइट।
इट इज अ लाइट इन वेट एंड ओके बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसमें टर्बाइन्स नहीं होते, मैंने बताया ना कंप्रेसर्स नहीं होते. हाउ डज इट वर्क्स? द एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ द रॉकेट या जो इंजन है उसके एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर के कारण वो यूटिलाइज द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन दैट इज अराउंड द इंजन और उससे आग लगती है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस इज लाइट इन वेट एंड दस कैन कैरी मोर फ्यूल. इसका एयर टारगेट रेंज है फ्रॉम 70 to 340 किलोमीटर. यू शुड नो दिस रफ आइडिया. अच्छा, रैमजेट और स्क्रामजेट, रामजेट का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होता है स्क्रामजेट. ठीक है, रामजेट क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इट यूटिलाइजेस इट वर्क्स एट सबसोनिक लेवल. ओके, मतलब जो रामजेट होता है सबसोनिक तक, मैंने क्या बताया 370 से 345, यार कितना होता है यार स्पीड ऑफ साउंड, मैं भूल रही हूँ. कैन एनीबडी जस्ट क्विकली रिमाइंड मी ऑफ इट, मैं बार बार गलत बोल रही हूँ. शायद 346 होता है कि 375. टोटली जोनिंग आउट. एनीबडी, डज एनीबडी नो 343? राइट, तो रफली 343. ओके ओके, यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच. है ना, तो ये सब सोनिक क्या होता है, जो 343 से हल्का सा कम होता है. राइट, तो सब सोनिक लेवल पे जो हमारी फ्यूल पे आग लग जाती है रामजेट इंजन में, तो सब सोनिक लेवल तक पहुंचने के लिए आप अब कोई हमारा टेस्ट रॉकेट है या कोई फ्लाइट है, एनीथिंग कोई भी हो, आपको 343 तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना. इवन इफ इट इज सब सोनिक, लेट अस से 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भी है, तब भी आपको 200 तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना. तो उस 200 तक वो नॉर्मली जैसे हमारे इंजन वर्क करते हैं वैसे नॉर्मल इंजन वर्क करता है. वंस इट रीचेस द 200 मीटर पर सेकेंड वाला मतलब सब सोनिक लेवल, तब ये वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक्टिव हो जाती है एंड देन द फ्यूल इग्नाइट्स इसको. और इसके बाद फ्यूल यहाँ पे इग्नाइट होता है जहां मैंने बोला सबसोनिक लेवल पे. पर जो हमारा स्क्रैमजेट इंजन होता है ना, इस पे इग्निशन जो स्टार्ट होती है वो होती है सुपरसोनिक लेवल पे. सुपरसोनिक क्या होता है, अगेन जो हमारी 3 मैक तक जो हम रीच कर पाते हैं वो होता है हमारा सुपरसोनिक लेवल. दिस इज द रीजन व्हाई स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक कंबशन. मतलब उसमें कंबशन कहाँ स्टार्ट होता है, सुपरसोनिक लेवल पे. आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ. रामजेट पे सबसोनिक लेवल पे कंबशन स्टार्ट होता है, स्क्रैमजेट पे सुपरसोनिक लेवल पे कंबशन स्टार्ट हो जाता है. रामजेट जो है इट हैज द एफिशिएंसी ऑफ रीचिंग द सुपरसोनिक लेवल एंड स्क्रैमजेट हैज द एफिशिएंसी ऑफ रीचिंग द हाइपरसोनिक लेवल. ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस. फिर आता है हमारा डुअल मोड रामजेट इंजन. डुअल मोड क्या होता है, इसमें रामजेट टेक्नोलॉजी के अलावा ये जो एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी होती है उसके अलावा टर्बाइन भी लगे रहते हैं, है ना. तो इट वर्क्स एट मच मच ग्रेटर स्पीड और इसमें जो कंबशन होता है वो सबसोनिक लेवल पे भी स्टार्ट हो जाता है और सुपरसोनिक लेवल पे भी स्टार्ट होता है एज एंड व्हेन अवर रिक्वायरमेंट, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो. और ये वर्क करती है Mach 4 से Mach 8 के रेंज में. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. और सिग्निफिकेंस क्या होता है SFDR का, एनेबल्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट द एरियल थ्रेट, डेवलप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स एंड अचीव लॉन्गर रेंजेस एज दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीडाइजर्स. राइट, बिकॉज लाइट एंड वेट होते हैं इसलिए ज्यादा फ्यूल कैरी कर पाते हैं, दस दे कैन रीच longer areas. That is all that you need to know here. Little important, please keep all those things in mind. Then we come to chief of defense staff. Ye kind of matlab pata hona chahiye as an enlightened citizen of the country. Theek hai, to abhi kaun hai hamare lieutenant general Anil Chauhan. Ye sare exams ke liye important hai. UPSC के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाकी जो आप एग्जाम्स दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अप्रूव की गई थी 2019 में. द CDS इज द हेड ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ही इज अ 4-स्टार मिलिट्री ऑफिसर. अच्छा, मुझे एक ट्रिविया बताइए, हु इज अ 4-स्टार आई मीन IPS ऑफिसर, आपको आइडिया है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही हूँ मैं, जस्ट ऐसे ही पता होना चाहिए. एनीबडी, who is the 4-star IPS officer, anybody? Nobody? किसी को नहीं पता ये बात? अजीत डोवाल जब रॉकी चीफ थे तब ही वॉज अ 4-स्टार IPS ऑफिसर, राइट. और इनको जो कीर्ति चक्र होता है ना, कीर्ति चक्र शौर्य चक्र से सेकेंड, जो सेकेंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है हमारा, सेकेंड मोस्ट हाइएस्ट, पहला होता है हमारा शौर्य चक्र, उसके बाद होता है कीर्ति चक्र. और कीर्ति चक्र 1982 या 88 तक, यस 1988 तक सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलता था.
अजीत डोवाल वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जिन्हें कीर्ति चक्र मिला था फॉर हिज वर्क इन द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार कौन सा ऑपरेशन था? जो हमारे गोल्डन टेम्पल पे खालिस्तानी मूवमेंट चला था उसपे जो काउंटर इंसर्जेंसी की थी हमारी गवर्नमेंट में, उसमें उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था, इसलिए उनको कीर्ति चक्र दिया गया था। दिस इज अ जस्ट जस्ट ट्रिविया, आएगा नहीं एग्जाम में, जस्ट मैंने पूछ लिया, राइट? ओके अच्छा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कारगिल रिव्यू कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी एंड शेखेवकर कमेटी, ये आपको याद होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, राइट? फिर आते हैं हम टेन्योर पे, क्या है टेन्योर? डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट और इनका एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 65, जब तक वो रीच कर रहे हैं, मतलब 65 की एज जब तक रीच नहीं कर लेते तब तक वो सीडीएस रह सकते हैं। ये रोल्स एंड पावर्स ऑफ सीडीएस, या रफ रीडिंग ले लीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक इससे अब क्वेश्चन आएगा, फिर भी रीडिंग करने में कोई बात नहीं क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इवन इन द स्टेट पीएससीज, राइट? जी सैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट, जी सैट सीरीज जो है ये हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती हैं। आर्म फोर्सेस में कौन कौन सी आती है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट? तो जी सैट सीरीज पर्टिकुलरली हमारी कौन यूज करती है? फोर्सेस यूज करती हैं। तो इंडियन आर्मी हैज रिपोर्टेडली टेस्टेड द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इट्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, और किसके अंडर किया था ये? ऑपरेशन स्काईलाइट। तो ऑपरेशन स्काईलाइट क्या है? इट इज इंडियन आर्मीज मिशन टू बूस्ट इट्स स्पेस कैपेबिलिटी। समझ में आ रही है बात? स्पेस में जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसको बूस्ट करने के लिए ऑपरेशन स्काईलाइट स्टार्ट किया गया था, और इसके अंदर हमारी इंडियन आर्मी ने कुछ ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इट्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को भी चेक किया है। अच्छा, जो जी सैट सीरीज मैंने बताई उसमें जो पहली सैटेलाइट थी जी सैट 7 सैटेलाइट, वो हमारी इंडियन नेवी यूज करती है। जी सैट 7 ए सैटेलाइट वो हमारे इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, और जी सैट 7 डी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट वंस इट इज इन एयर ये हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी को असिस्ट करेगी। तो जी सैट सुनने से आपको ट्रिगर होना चाहिए क्या, कि ये हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती है, और करेंटली हमारी जो आर्मी है वो बाकी एजेंसीज पे डिपेंडेंट है। अगर उनको कुछ अपना सैटेलाइट बेस्ड डाटा चाहिए तो बाकी एजेंसीज भी डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा ये हुआ था चाइना के साथ जो पैंगोंग सो में हो रहा था, तो वहां की जो उनको सैटेलाइट इमेजेस चाहिए उनके पास खुद का सैटेलाइट नहीं है, उनके पास खुद का ऐसा विंग नहीं है, तो दे हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर एजेंसी, राइट? तो इससे ना केवल टाइम, देखिए ऑफकोर्स आप किसी एजेंसी दूसरी एजेंसी की मदद कर रहे हैं तो टाइम भी ज्यादा लगता है, राइट? तो उस टाइम को कम करने के लिए दे हैव डिमांडेड फॉर देयर ओन सैटेलाइट्स, ठीक है? इतना सही है। इसमें ब्रह्मोस पे आते हैं। व्हाट इज ब्रह्मोस? इट इज अ यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए ब्रह्मोस जब रिलीज हुआ था, इवन टुडे इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई नो कंट्री वांट्स टू पिक अप फाइट विद इंडिया, बिकॉज इसमें जो ब्रह्मोस होता है ना, ऐसा जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं वॉर हेड। इस वॉर हेड पे आप क्या कर सकते हैं, हम आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड वेरी 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 डेंजरस। और ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मोस इज अ यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जिसके पास कैपेबिलिटी होती है टू बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर अगेंस्ट द सर्फेस एंड सी बेस्ड टारगेट्स। इससे प्लीज मेक इट श्योर, प्लीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ब्रह्मोस है वो एयर टू एयर वर्क नहीं करती है। एयर टू एयर जो इसका वेरिएंट है अभी 2020 में टेस्ट होना स्टार्ट किया है, साइंटिस्ट और डीआरडीओ हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, पर अभी एज फार एज आई नो इट रिलीज नहीं हुई है, ठीक है? इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन रिटन की वर्क्स अगेंस्ट सर्फेस एंड सी बेस्ड एयर सिस्टम, सी बेस्ड टारगेट्स। अच्छा, ये फायर एंड फोगेट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, फायर एंड फोगेट, राइट? तो फायर एंड फॉरगेट क्या होता है कि आपको जस्ट हैव टू, उसके पास अपना खुद का कंप्यूटर होता है मतलब डिसाइड करने के लिए, तो यू जस्ट हैव टू फीड कि ये मेरा टारगेट है, उसके बाद अगर आपका टारगेट मूव कर रहा होगा इट विल स्टिल हिट द टारगेट। अच्छा, किसी ने मेवरिक देखी होगी, टॉप गन जो टॉम क्रूज की अभी लास्ट ईयर की 2020-21 में, आई डोंट नो, जब जो मेवरिक टॉप गन आई थी उसमें देखा होगा आपने, देर आर जो फाइटर जेट्स होते हैं दे यूज डिफरेंट क्या बोलते हैं ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स, कभी डाइव कर लेते हैं कभी एकदम से ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स से वो यूज करके जो मिसाइल को डॉज करते हैं। ऑफ कोर्स
सी अगेन, ये डॉज करने की कैपेबिलिटी होगी ऑन द पीपल हु आर ड्राइविंग दैट जेट, बट ब्रह्मोस की मैक्सिमम कोशिश रहती है कि वो टारगेट को हिट कर दे, बस आपको टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो व्हेन यू कम टू एयर बेस्ड टारगेट्स ना, वही मेवरिक वाला सीन हो जाता है कि आपका एयर बेस्ड टारगेट ऐसे ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं कैसे भी मुड़ जाता है, तो उसको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो साइंटिस्ट आप वर्किंग डीआरडीओ में अभी वर्क कर रहे हैं, तो एयर बेस्ड टारगेट इसलिए अभी तक हमारे पास नहीं है, बट सून इट विल बी देयर। तो फायर एंड फॉरगेट के उसपे वर्क करता है हमारा ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन डीआरडीओ एंड रशिया का एनपीओ मार्सिनोस टेयोनिया। ओके, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन बस इंडिया और रशिया का वो है ज्वाइंट कोलैबोरेशन, और रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्को रिवर्स को। टू स्टेज मिसाइल है ये, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है द फर्स्ट स्टेज और लिक्विड रैमजेट है इन द सेकेंड स्टेज। तो मैं जैसे बता रही थी कि सुपरसोनिक मिसाइल है, राइट? तो सब सोनिक लेवल तक पहुंचने के लिए इसको पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, ये सॉलिड प्रोपेलेंट की, वहां तक उस स्पीड तक पहुंच जाए। एंड वंस इट रीचेस दैट स्पीड, फिर हमारी रामजेट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, एयर ब्रीदिंग इंजन की, सॉरी, एयर ब्रीदिंग इंजन की स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट इज हाउ द मिसाइल वर्क्स। ओके, जब हमारे पास वी वर नॉट द मेंबर ऑफ एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तब तक हमने इसकी जो मैक्सिमम दूरी रखी थी टारगेट की वो थी 290 किलोमीटर्स, है ना? बट वंस वी हैव ज्वाइंड इट इन 2016, अब हमने इसे ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 450 किलोमीटर्स टू 600 किलोमीटर, राइट? ये आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ये बाकी जो दिए हुए हैं उनमें सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि HD-1 चाइना की है, सुपरसोनिक मिसाइल है, टोमाहॉक यूएसए की है, नाटो भी यूज करता है इसे, एक ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, राइट? इसराइल की सी ब्रेकर है, ये फिफ्थ जनरेशन लॉन्ग रेंज होती है। फिफ्थ जनरेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टेल्थ, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके पास अवेलेबल होती है। फिर P-800 ओनिस यासून किसकी है? रशिया की सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ओके, नाउ वी कम ऑन द डिफरेंस बिटवीन द क्रूज मिसाइल्स एंड द बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो हमारी जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स होती हैं क्या? ऐसी मिसाइल्स जो कि हमारी वर्क करती हैं एल्टीट्यूड, बहुत कम एल्टीट्यूड पे, जैसे कि हमारी जो ब्रह्मोस है ना, ये 10 मीटर ग्राउंड से, 10 मीटर से लेके 15 किलोमीटर तक के रेंज पे वर्क कर सकती है। मतलब आप इसे 10 मीटर के एल्टीट्यूड पे भी छोड़ सकते हैं और 15 मीटर के किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे भी छोड़ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? छोड़ सकते, मतलब टारगेट को हिट कर सकते हैं इतने धीरे से, मतलब इतने छोटे क्या बोलते हैं, हाइट से, एल्टीट्यूड से भी। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनको ट्रैजेक्टरी की जरूरत होती है। देखिए, ऐसी ट्रैजेक्टरी में आपने 10th तक सबने साइंस पढ़ा होगा, आपने वो वाला सुना है ना कि कोई अगर बॉल फेंकना चाहे, सबसे दूर अगर आपको बॉल फेंकना हो तो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, आपका हाथ का एंगल ऐसा होना चाहिए कि 45 डिग्री पे आप बॉल को थ्रो करें तो सबसे दूर पहुंचता है हमारा क्या बॉल, राइट? तो उसी उसी मतलब मैं आपको एनालॉजी बिठाने, थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे ट्रेजेक्टरी का यूज करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, बट इट इज नॉट द केस इन द क्रूज मिसाइल्स, राइट? ये एक हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल्स बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी यूज करते हैं, वेराज, और इस रीजन के कारण आप अब देखिए इतने दूर से, इतने ऊपर से, अगर आप थोड़े देखिए हाइएस्ट जो इसमें दिया हुआ एल्टीट्यूड इज 200 किलोमीटर, सो इफ मिसाइल इज टेकिंग 200 किलोमीटर, ऑफकोर्स इट विल बी स्लो, है ना? तो एक ये इसमें थोड़ा ड्रॉबैक होता है कि यार इट इज स्लोअर देन अवर क्रूज मिसाइल्स। और एग्जांपल्स कौन से हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के? पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि की जितनी भी है 1, 2, 3, 5, उसके बाद धनुष, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब बैलिस्टिक के एग्जांपल्स हैं। हमारी जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसमें ब्रह्मोस, हार्पून, एग्जोसेट और फ्रांस। एग्जोसेट किसका है? फ्रांस का। हार्पून किसका है? यूएसए का। लिटिल आइडिया यू शुड हैव अबाउट इट, अबाउट दिस। और ये तीनों सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड्स पे वर्क कर सकती हैं। मूविंग ऑन, अच्छा, इसमें अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी और इतनी ज्यादा डेटा होगा इसमें कि यू कैन नॉट, आई मीन यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना? तो कुछ जो चीजें मैं बोलूंगी कि स्किप की जा सकती है, प्लीज वी कैन स्किप इट, पर इफ यू हैव अ गुड मेमोरी कि आपको देख के याद हो जाता है तो प्लीज गो फॉर इट, अदरवाइज इट इज इजिली स्किपेबल, इतना याद नहीं रख सकते। और इवन इफ इट कम्स इन एग्जाम, आप श्योर रहिए कि ये एग्जाम रिलेटिव है, राइट? तो सबका गलत होगा,
प्लीज कीप दैट इन माइंड. अगर सही हो रहा है तो सबका सही होगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो पढ़ने वालों का सबका सही होता है, और अगर गलत हो रहा है तो सबका गलत होगा. प्लीज कीप दैट इन माइंड, क्योंकि हम सब याद नहीं रख सकते, राइट. तो अग्नि मिसाइल क्या है? अग्नि 3, अभी तो अग्नि 5 भी आ चुकी है. तो अग्नि 3 हैज अ रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर. जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी रेंज है 7000 किलोमीटर. जो चाइनीज लोग हैं, जो चाइनीज रिसर्चर्स हैं, वो क्लेम करते हैं कि जो अग्नि 5 है उसकी रेंज है 8000 किलोमीटर. सो इमेजिन इट इज बेसिकली कवरिंग ऑल ऑफ द सेंट्रल एशिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस चाइना हमेशा मतलब डरा रहता है कि पता नहीं कब मिसाइल फायर कर दे, क्योंकि अग्नि मिसाइल के पास न्यूक्लियर वॉरहेड रखने की कैपेबिलिटी भी होती है. एंड इट कैन हैव अ पेलोड ऑफ 1.5 टन्स. इमेजिन मैसिव, कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकती है. एंड इसे कंसीव किया था अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, इतना इंपॉर्टेंट है. इसमें S-400 डीएनएस में आ चुका है एक बार. आई डोंट थिंक फिर से पूछेगा. जस्ट आपको पता होना चाहिए रशिया का है क्या है. हमारी एंटी मतलब एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है. और ये जो मिसाइल होती है, अगर हमारा एनिमी नेशन अगर फायर कर रहा है तो ये पहले इंटरसेप्ट करके इसे ऑन एयर मतलब एयर में ही इसे डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ये होती है हमारी क्या डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम. ऐसी एक आयरन डोम है इसराइल की, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो हमारा S-400 है, इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी मतलब 400 किलोमीटर दूर तक ये इंटरसेप्ट कर सकता है और मिसाइल लॉन्च करके हमारा जो टारगेट है उसे 400 किलोमीटर की दूरी तक इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है. फिर आते हैं हम एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल्स पे. एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल्स क्या है? जो हमारी टैंक्स होती हैं, ये जो टैंक्स होती है ना, ये ऐसे बनी रहती है कि इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई बड़ा सा माइन भी हो या कोई एक्सप्लोजन भी हो तब भी हमारी टैंक सेफ रहती है. तो ये हमारी जो एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, ये ऐसी मिसाइल है जो टैंक को मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन करती है कि टैंक को भी ये नेस्तनाबूत कर देती है, राइट. तो हमारे इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और इसे अभी हमने अर्जुन जो हमारी मेन बैटल टैंक है उस पे एस्टेब्लिश कर दिया है. तो उस टैंक से दूसरे टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनिमी नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास ये मिसाइल्स नाउ इट इज अवेलेबल. मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स. यहाँ पे अगर कोई थोड़ा भी पैराशूट रेजिमेंट के बारे में जानता होगा तो आपने एक ऐसा एक बैज देखा होगा उनके चेस्ट पे, जो पैराशूट रेजिमेंट के होते हैं. रेड होता है इसका बैकग्राउंड और गोल्डन से ऐसा एक मिसाइल टाइप की चीज बनी रहती है. उसका मीनिंग ये होता है कि उनने सक्सेसफुली अपने कंधे पे रख के एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया है अपने कंधे पे रख के. और उस जब उन्हें लॉन्च किया तो उनका जो जब भी लॉन्च किया तो उन्होंने जो अपना टारगेट होता है उसे हिट किया, राइट. तो ये जो पर्सोनल्स होते हैं, ये जो सोल्जर्स होते हैं, जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना, तो ये मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से होती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से होती है. तो ये थोड़ा एक ट्रिविया, नॉट इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, जस्ट आपको एक बार याद दिलाने के लिए बता रही हूँ मैं. तो ये होता है वो ये वाला जो है ये आप टैंक से लॉन्च कर सकते हैं और ये वाला आपके सोल्जर्स लॉन्च कर सकते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो अगर सोल्जर्स लॉन्च कर पा रहे हैं तो इट इज रिलेटिवली लो इन वेट, फायर एंड फॉरगेट है. मतलब आपको बस एक बार बताना है कि ये हमारा टारगेट है एंड देन द मिसाइल विल फाइंड द टारगेट ऑन इट्स ओन इवन इफ इट चेंजेस इट्स स्पेस, राइट. देन वी हैव वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल SR-SAM, VLSR-SAM, इंडिजीनियसली डेवलप बाई DRDO. शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है टू स्ट्राइक एयरल थ्रेट्स दैट आर क्लोज, मतलब 40-50 किलोमीटर के रेंज तक अगर है और 15 किलोमीटर का एल्टीट्यूड हाइट है तो इतने रेंज पे ये इसे इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है. इट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रो मिसाइल. व्हाट इज एस्ट्रो मिसाइल? दैट इज विजुअल रेंज के बियॉन्ड, जो हमें आंखों से नहीं दिखता ना कि टारगेट आ रहा है उसके बियॉन्ड. तो ये 40-50 किलोमीटर वो होता है. तो क्विक रिस्पॉन्स सर्फेस टू एयर मिसाइल क्या है? DRDO ने फिर से टेस्ट किया है. शॉर्ट रेंज है सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इंडिजीनियसली डेवलप की गई है एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ मूविंग आर्मेड कॉलम्स ऑफ आर्मी. अगर एट द टाइम ऑफ वॉर जब हमारी जो आर्मी होती है वो पूरे कंट्री से हम एट द साइट ऑफ द जहां भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वहां की तो और बढ़ने की जब कोशिश करते हैं ना, तो जब हमारा दस्ता ऐसे मूव करेगा तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये QRS
SAM का इनने ये टाइप का मिसाइल है, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। फिर आते हैं हम VSHOR, ये वेरी शॉर्ट रेंज, अगेन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस है, तो सोल्जर्स यूज कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं बाय कीपिंग इट ऑन देयर शोल्डर्स। न्यूटिलाइज द लो एल्टीट्यूड एयर थ्रेट्स प्रोपेल्ड बाय डुअल थ्रस्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मूव ऑन। हेलेना, अच्छा नाग मिसाइल है, जो नाग मिसाइल होती है ना, ये मोस्टली हमारी एंटी टैंक के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। इसके 5 वेरिएंट्स हैं हमारे पास, तो एक वेरिएंट हमारे ये जो मैन पोर्टेबल बोल रहे थे, ये एक वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट हमारा हेलेना है, एक और 3 और है पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत न्यूज में रहते हैं। तो हेलेना क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, जो हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल अगर हम इसे फायर कर दे तो वो हमारी बच जाती है। हेलेना हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हेलेना वो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। हेलेना इज द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास ATGM सिस्टम एंड ऑल वेदर एंड ऑल नाइट कैपेबिलिटी, इसको सुबह शाम कभी भी इसे यूज कर सकते हैं किसी भी वेदर में। एस्ट्रा मार्क वन, अच्छा ये वाला जो मार्क है ना, ये वाला MACH वाला मार्क नहीं है, ये वाला है हमारा जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोस्टली मिलिट्री वगैरह जो सिस्टम्स होते हैं ना उनमें वर्क करता है। तो कोई मिसाइल बनाया, उसका पहला प्रोटोटाइप होता है मार्क वन, है ना। मार्क वन सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा प्रोटोटाइप बनाया तो वो हो गया मार्क टू। तो ये वाला जो मार्क है वो ये वाला मार्क है ना, वो वाला मार्क नहीं है, साउंड ऑफ स्पीड वाला। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है ना, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और एयर टू एयर मिसाइल है ये, 37 किलोमीटर इसकी रेंज है, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। प्रलय मिसाइल इंडिजीनियसली डेवलप्ड, सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो, 150 to 500 किलोमीटर, स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम है इसमें। ओके, देन वी कम टू सबमरीन्स। सबमरीन्स हमारी 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनी है, कहाँ पे, प्रोजेक्ट 75 के अंदर, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है ऑफ द मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के बीच में। इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर हमारी 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनेंगी और बन चुकी हैं अभी तक, जिसमें जिनका नाम है, 3K से स्टार्ट होती है कैलवरी खंडेरी कारण, और 3 स्टार्ट होती है वेला वाक्सीरन वागीर से। एंटी वॉरशिप है, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी ये रखती है। जो सबमरीन होती है हमारी 3 क्लासेस में आती है, रफ आइडिया आपको होना चाहिए। सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर, मतलब अनडिटेक्टेबल लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, और INS अरिहंत जो है ये हमारी इंडिया की सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, इसका मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना नहीं होता, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंजन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब उसका जो इंजन है वो न्यूक्लियर पावर से चलता है, दैट इज व्हाट इट मींस। और इसके ऊपर विद नॉन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन आर्मर्ड विद नॉन न्यूक्लियर वेपन्स इज दिस टाइप ऑफ सबमरीन, और ये यूके के पास है, यूएस के पास है, चाइना, इंडिया, रशिया, मतलब 6 कंट्रीज के पास है। तो यू शुड हैव अ रफ आइडिया, है ना, कई बार एलिमिनेशन में काम आ जाता है। देन वी हैव डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, ये डीजल इंजन पे वर्क करती है, और इंडिया की ये जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर आ रही है वो सारी डीजल क्लास में है। फिर सिंधु घोष और किलो क्लास और शिशु कुमार, ये वाली भी जो सबमरीन होंगी ये सब डीजल इंजन पे बेस्ड है। देन वी हैव INS विक्रांत। INS विक्रांत फर्स्ट इंडिया की है इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट। ये क्या बोल रही थी मैं, टोटली ज़ोन्ड आउट। हाँ, इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है हमारी INS विक्रांत, और इसे बनाया किसने है, इंडियन नेवी की डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन ने। कहाँ पे बिल्ड किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा ये आपको याद होना चाहिए कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, है ना। इससे पहले हमने एक बताया था वो भारत वाला, कौन सा है, ये वाला, ये है हमारा भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। अच्छा यहाँ पे आपको शिपिंग लगेगा, मैजगांव डॉक शिपिंग बिल्डर्स, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर होगा, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको पता होगा इसके बारे में। तो इससे पहले भी हमारे पास INS विक्रांत था, बट वो सेकेंड हैंड वो थी, क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर थी ब्रिटेन की, जो हम यूज कर रहे थे। INS विराट भी था हमारे पास,
और INS विक्रमादित्य जो रशिया की थी वो भी हम यूज कर रहे थे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव इंडिजीनियसली डेवलप्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर. 76% के से भी ऊपर इसमें जो मटेरियल लगा है वो इंडिया में बना है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज इंडिजीनियस. शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी स्टो बार एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड पे ये काम करता है. ओनली यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस SCOBAR, राइट. Project 15B again is a continuation of Kolkata class destroyers, which were a part of 15A commission. Not very important. Mazagon Dock ship shipbuilders ne develop kiya hai. You can easily skip this. A rough idea about 15B ke andar kya kya aate hain. Vishakhapatnam, Mormugao, Imphal and Surat. Ye four ships hain is project ke andar jo manufacture kiye ships hain. Sorry, stealth guided destroyer. Yes, destroyer hain. Theek hai. Project 17A, again not very important. Indian Navy के World Ship Design Bureau ने इसे design की है. 75% of the orders indigenous firms से ली जाएंगी. Project 75I, ये थोड़ा सा extended arm है हमारे ये project 75B की, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, उसका थोड़ा extended arm है. Ministry of Defence ने इसकी deadline को थोड़ी कम कर दी है, not very important. इंडियन नेवल शिप INS वाकशीर डीजल अटैक सबमरीन है ये, और ये तो आगे हम ऊपर पढ़ी चुके थे. जो लास्ट अभी आई है बागीर से पहले जो आई थी वाकशीर वो है ये. ओके, देन वी आर कमिंग ऑन एयरक्राफ्ट ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. डॉर्नियर, जैसे हमारा बोइंग है ना, वैसे हमारी डॉर्नियर बोइंग 786 जो बोलते हैं, जो बड़ी वाली हमारी होती है, जिसमें वो आइल जिसका 3 इधर लेफ्ट साइड में होती है और 3 शायद राइट साइड में होती है, जो बड़ी वाली एयरक्राफ्ट होती है ना, वो होती है हमारी बोइंग की 786. वैसी हमारी इंडिजीनियसली डेवलप की गई है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट मेड इन इंडिया, डॉर्नियर 228. ये HAL ने मैन्युफैक्चर की है. HAL अगेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. और जो उड़ान स्कीम थी उस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कनेक्ट वेरियस एयरपोर्ट्स, और इसीलिए ये स्टार्ट की गई है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट. मेक इन इंडिया को भी प्रोपेल करने के लिए स्टार्ट की है. देन वी हैव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है अगेन बाय HAL. 7 कंट्री है इंडिया की टू मेक, सॉरी वर्ल्ड की, इंडिया 7 कंट्री है वर्ल्ड की टू मेक अटैक हेलीकॉप्टर्स. Only combat helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters. मतलब सियाचिन वगैरह में जो altitude होता है हमारा 5,000 meters का, ये only combat helicopter in the world है that can land and take off at the altitude of 5,000 meters. This is important. You should keep this in mind. Then we have indigenous stealth drones referred to as unmanned combat airborne vehicle. ये घातक जो हमारी स्टेल ड्रोन जो हम बना रहे हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसका प्रीकर्सर माना गया है. और घातक के अंदर जो स्टेल ड्रोन प्रोग्राम है उसे हम ऑरा बोलते हैं, ऑटोनॉमस अनमैन रिसर्च एयरक्राफ्ट. ये सेल्फ डिफेंडिंग है, हाई स्पीड है, बस दिट इज ओनली इम्पोर्टेंट. चिनूक जो है यूएस आर्मी यूज करती है, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए. और इंडियन आर्मी ने इसे इंडक्ट कर लिया है फ्रॉम 2019. तेजस का मार्क टू, ये क्या है, सेकंड वर्जन है तेजस, जो हमारी सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली अजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर की सेकंड वर्जन है ये. और इसका कैबिनेट कमेटी ने इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है. ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर DRDO और HAL ने मिलकर बनाई है. 4.5 जनरेशन मशीन है. तो 4.5 क्या होता है, जो मैंने बताया फिफ्थ जनरेशन होती है स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाली. बट ये वाली जो हमारी मशीन है इसके पास पूरे जो फिफ्थ जनरेशन के फीचर्स है पूरे नहीं है, बट स्टिल थोड़े बहुत उसके फिफ्थ जनरेशन के फीचर्स है. जैसे स्टेल्थ मतलब छुपके, रडार के, रडार में ना आने की इसके पास, मतलब जो एनिमी नेशन है उसकी रडार में फंसे बगैर ये अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं 4.5 जनरेशन मशीन. हमारी रफेल भी 4.5 जनरेशन की थी, प्लीज कीप दैट इन माइंड. रफेल फ्रांस से इंपोर्ट की गई थी, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. प्लीज थोड़ा सा ये तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको रफ आइडिया होना चाहिए रफेल के बारे में. फिर कामिकाजे ड्रोन्स ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय कर दी गई है. स्मॉल है, अनमैंड एयरक्राफ्ट है, दैट आर पैक विद एक्सप्लोसिव. Then we have Hermes Starliner unmanned system. Israel has become the first country to allow drones, jiska naam hai Hermes Starliner, in civilian airspace. So, civilian airspace mein drones use karne ki permission pehli country kisi kaun hai? Hamari Israel.
देन डर्टी बॉम्ब क्या है? डर्टी बॉम्ब इज अ बॉम्ब दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ओनली, दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम एफ इंसास इसका फुल फॉर्म और ये क्या है पता होना चाहिए आपको. इट इज अ प्रोग्राम फॉर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन. जो हमारे ऑन फुट सोल्जर्स होते हैं ना, ऑन फुट सोल्जर्स को इक्विप करने के लिए विद मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स, हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम. आपने देखा होगा फ्यू ईयर्स बैक जो हमारे सोल्जर्स डिप्लॉयड रहते थे जम्मू कश्मीर में, बहुत ही खराब क्वालिटी की बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट को यूज करते थे, और यू नो व्हाट द सिनेरियो वाज एट दैट टाइम, है ना. तो हमारे सोल्जर्स को टू गिव द मोर स्ट्रेंथ, इसीलिए ये इंसास जो प्रोजेक्ट है इट हैज स्टार्टेड. इट इज एन एंटी पर्सनल माइन, अच्छा सॉरी निपुण, क्या है? एक एंटी पर्सनल माइन है जो हम बिछा रहे हैं कहाँ पे, बॉर्डर्स पे, सो दैट इन्फिल्ट्रेशन को हम रोक पाए. फिर कार्ल गुस्ताफ M4 क्या है? स्वीडन की है. इनने स्टार्ट, स्वीडन हैज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर कार्ल गुस्ताफ M4 विद विद इंडिया, है ना. दैट इज ओनली दैट यू नीड टू नो. ये क्या है? मैन पोर्टेबल मल्टी रोल वेपन सिस्टम है. एक M416 आई एम नॉट अवेयर, कोई अगर पबजी खेलता होगा तो M416 है ना, उसी टाइप की थोड़ी सी मस्त वाली वेपन सिस्टम है ये. फिर आते हैं हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पे. ये अर्मीनिया को हमने एक्सपोर्ट किया है क्या? इंडिया की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम. दिस इज स्लाइटली इम्पोर्टेंट. इट इज अ मोबाइल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जिसकी मैक्सिमम रेंज होती है 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक. ओके, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्यूस्टिक कैटेगराइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन स्पेस. इसका फुल फॉर्म यू शुड नो व्हाट इज इट. इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी launched by DRDO. That is all that you need to know. अभ्यास क्या है? High speed expendable aerial target है. It consists of twin underslung boosters. Not very important. Easily skippable. High energy laser system HELS. ये क्या है? Laser weapon belonging to directed energy weapon category. ओके, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैटेगरी क्या होता है? लेजर से फोकस करना पड़ता है टारगेट पे, ठीक है. लेमन टर्म्स में बता रही हूँ मैं, है ना. तो ये होता है इसका मीनिंग. फिर बटरफ्लाई माइंस क्या है? बहुत ही क्यूट लुकिंग होती हैं ये माइंस, टॉयज जैसी दिखती है बट बहुत ही खतरनाक होती हैं. तो रशिया अक्यूज किया गया है कि इतनी क्यूट लुकिंग, मतलब टॉयज जैसी दिखती हैं और एक्चुअली माइंस हैं. तो कोई भी उठा दे, इवन बच्चे उठा दे क्या बोलते हैं टॉय है सोच के, और पता चला वो माइन है, तो इट इज कंसिडर्ड डेंजरस और इसे ग्रीन पैरेट भी बोला जाता है. दैट इज ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस सेक्शन. मूविंग ऑन, वी हैव ऑल्टरनेटिव एनर्जी and then we have nuclear fission, fusion. Achha, awaaz aa rahi hai meri? Please, please, jaldi bataiye, awaaz aa rahi hai na? Pata chala, haan, okay, okay. Thik hai. Okay, फिर हम आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे. तो मैं बता रही थी जो हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स के कोर पे दो काम होते हैं, फ्यूजन और फिजन, है ना. तो फ्यूजन क्या होता है? दो लाइट न्यूक्लियाई होता है हल्के हल्के. इनको ये दोनों जब मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तब हमारा होता है फ्यूजन. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन, एज द नेम सजेस्ट, है ना. दो चीजें जब फ्यूज होती हैं, जैसे हमारी इंडो वेस्टर्न फैशन ड्रेसेस जो होती है ना, तो फ्यूजन होती है वेस्टर्न फैशन की और इंडियन फैशन की, तो होता है इंडो वेस्टर्न फ्यूजन. लाइक वाइज दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन दो लाइट न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, और जब ये फ्यूजन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है. तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन. अच्छा, यहाँ पे जब भी आप न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, यू विल हियर आइसोटोप. अरे यार, यू विल हियर अ थिंग कॉल्ड एज आइसोटोप. आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है. जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के दो तीन आइसोटोप्स होते हैं. एक होता है ड्यूट्रियम और होता है एक ट्राइट्रियम. तो दोनों में चेंजेस क्या होते हैं? जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. और जो ड्यूट्रियम होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है. जो ट्राइट्रियम होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है पर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो तीनों केसेस में देखिए, प्रोटॉन का नंबर तो सेम है बट न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स आइसोटोप, राइट. तो ये एक आपको डायग्राम दिया गया है कि हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क्स. तो ड्यूट्रियम जो एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का,
और दूसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का ट्राइट्रियम, ये दोनों आते हैं एक साथ मिलते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियाई क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीलियम, है ना। हीलियम क्रिएट करते हैं तो हीलियम में क्या होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये बना लेते हैं अपना एक फुल एलिमेंट, और एक न्यूट्रॉन छूट जाता है और इस वाले रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी काम आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और भी बाकी सारी एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। तो ये है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, ये 100 to 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन बोल रही हूँ मैं, मिलियन डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है ना। तो अगर आपको फ्यूजन कराना है तो एटलीस्ट यू हैव टू रीच दिस टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर रीच करना बहुत मुश्किल है। दिस इज द रीजन व्हाई फ्यूजन रिएक्शंस पॉसिबल हो गई हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होती है ना वो फ्यूजन पे वर्क करती है। बट अगर हम फ्यूजन की कैपेबिलिटी ले आए तो मैसिवली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो फ्यूजन की बस एक ये ड्रॉबैक होती है, दिस इज द रीजन व्हाई अर्थ पे इसे क्रिएट करना हैज बीन रादर वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे एक और रीजन होता है, जब इतना डिग्री होता है ना, इतना गर्म कोई चीज होता है ना, तो हमारी गैसेस नहीं रह जाती, फिर हमारे वो जो होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा पे वर्क करती है चीजें। फिर प्लाज्मा क्या होती है, गैस और प्लाज्मा में एक मेजर डिफरेंस होता है कि गैस ऐसी रैंडम मतलब न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर प्लाज्मा में चार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली गैस चार्ज गैसेस होती हैं, और इसीलिए इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज द रीजन वाय न्यूक्लियर फ्यूजन को इतनी मुश्किलें हो रही है हमें क्या बोलते हैं जेनरेट करने में। तो अभी जो हमारी लिवरमूल नेशनल लेबोरेटरी है कैलिफोर्निया में, वहां पे इग्निशन अचीव कर लिया है साइंटिस्ट ने। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की इग्निशन क्या होती है, अचीव इग्निशन का मीनिंग क्या होता है कि क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट जनरेट्स मोर एनर्जी देन इट कंज्यूम, मतलब जितना उसने कंज्यूम किया, मतलब यहाँ तक इतने डिग्रीज तक उनने गर्म करने की कोशिश की, पर जो उनके पास जो रिजल्ट आया, जो रिजल्टेंट एनर्जी थी वो इस मतलब इतने टेम्परेचर तक भी जो गर्मी थी उसको इंक्रीज करने में जितना एनर्जी लगा उससे ज्यादा हमें एनर्जी मिली। तो ये इग्निशन अचीव कर चुकी है। ये सब वही दिया है कि फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा, इट इज हॉट चार्ज गैस मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। ये हमने जल्दी पढ़ लिया। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं और फ्यूजन के, एक्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर दैट इट हैज टू रीच, एक हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। तो इस वाले केस में देखिए कि दोनों के पास पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, मतलब कमी है दोनों के पास, तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं टाइप से, राइट। तो इनके पास आते हुए देखिए, जब इनको पास लाना है तो बोला जा रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं एक्शन में, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई चैलेंज फ्यूजन हैज बीन अ चैलेंज टू द सॉरी दिस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैव बीन अ चैलेंज फॉर द फ्यूजन। देन वी हैव द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक फ्यूजन, क्या है, टेम्परेचर चाहिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का, 150 भी चाहिए रहता है कई बार, तो मेंटेनिंग द हाई एनर्जी डेंसिटी फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम, दीज आर ऑल चैलेंजेस। अच्छा, एक मैं एक बात आपको उस दिन बताना भूल गई, स्टार में फ्यूजन स्टार्ट होता है ना, फ्यूजन पहले हुआ उससे हमारी एनर्जी निकली, अब ये हीलियम बन गया, अब हीलियम है ना, हीलियम को फिर से ये वो मतलब डिसइंटीग्रेट करते हैं फ्यूजन से, और फिर ये वापस हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है स्टार के कोर पे, फ्यूजन भी होता है फिजन भी होता है, दोनों से एनर्जी निकलती है। ओके, मोस्टली फ्यूजन से निकलती है एनर्जी, बट फ्यूजन से भी होती है। और जब मैं बोल रही थी कि फ्यूल खत्म हो जाता है, तो कई बार क्या होता है, ये जो हीलियम होता है ना, फ्यूजन के बाद जब हीलियम बना तो हीलियम फिर एस्केप हो जाता है, मतलब जो स्टार होता है उसके पेरिफेरी से, और जब ये एस्केप हो जाता है तो हमारा फ्यूल खत्म होने लगता है। तो दिस इज हाउ अ स्टार फ्यूल खत्म होना। तो ये हो गया हमारा फ्यूजन के बारे में। अच्छा, दो टाइप के न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, एक इनर्शियल और एक मैग्नेटिक। इनर्शियल फ्यूजन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट जो हमारी प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट की गई है तो उसमें यूज किया गया है, ये थोड़ी ईजी होती है करने में, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। कि मतलब जो मैग्नेटिक फ्यूजन जो दूसरा टाइप है उसके रिलेशन में इसे अचीव करना, इनर्शियल फ्यूजन को अचीव करना इज रादर इजी, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। फिर एडवांटेजेस में एबंडेंट एनर्जी, फ्यूल आर वाइडली अवेलेबल, हाइड्रोजन वाइडली अवेलेबल है ना, एटलीस्ट जो हमारे पास इतना सारा अबंडेंस में वाटर अवेलेबल है,
तो उसमें हाइड्रोजन हमें बहुत बहुत ही बहुत आयत में हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास। देन ये वाला जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसमें हार्मफुल गैसेस लाइक CO2 एमिट नहीं हो पाते और मच लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट ये प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। क्या फ्यूजन रिएक्शन चैलेंज क्या है? हाई टेम्परेचर पे वर्क करना पड़ता है और ऐसे स्टेट पे सिर्फ प्लाज्मा में एग्जिस्ट करती है जो हमारी गैसेस होती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके साथ वर्क करना और इसीलिए उन्हें कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा अब आते हैं हम, क्या सिमिलर इनिशिएटिव्स कौन सी है हमारी? एक है आइटर, राइट? तो आइटर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर असेंबली है, ये फ्रांस में कहीं इसका हेडक्वार्टर है, सेंट पॉल करके कोई जगह है और भी इसका लंबा सा नाम है, देख लीजिएगा, सेंट पॉल से स्टार्ट होता है, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट। तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 1985 में एस्टैब्लिश किया था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, यार इंडिया फाउंडिंग मेंबर था और आई थिंक यहाँ नीचे कहीं दिया है, ये नहीं दिया है, सॉरी, हाँ इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। और इसके पास 35 मेंबर्स हैं। ओके, चाइना का आर्टिफिशियल सन, ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं दैट यू नो यू शुड नो कि फ्यूजन पे वर्क कर रहे हैं। SST टोकोमैक, ये इंडिया का एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्शन है, कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च पे, ये कहाँ पे है? प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी के अंडर आता है, गुजरात में सिचुएटेड है। बस ये आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए। देन वी हैव ज्वाइंट यूरोपियन टोरूस, ये भी एक टोकोमैक फैसिलिटी है, किसकी? यूरोप की। अच्छा टोकोमैक पे आते हैं हम, हाँ ये दिया है ITER, वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकोमैक है ITER, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, 1985 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है फ्रांस में कहीं, सेंट पोल के नाम से, सदर्न फ्रांस में सिचुएटेड है और 35, यही सब दिया है। तो टोकोमैक क्या है? टोकोमैक इज ए मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसके अंदर फ्यूजन हम फ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं। तो इट इज अ फ्यूजन डिवाइस डिजाइन टू प्रूव फीजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज अ लार्ज स्केल एंड काफी सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द सन एंड द स्टार्स वर्क। सन भी एक स्टार है, पता नहीं इसे अलग से सन क्यों लिखा रहता है। ओके, इट इज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू फ्यूज हॉट प्लाज्मा एंड कैन रीच योर टेम्परेचर वेल ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना हो गया हमारा। प्लीज अलाउ मी टू ड्रिंक वाटर, प्लीज 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग भी, हम मिलते हैं 10 बजे।
ओके, वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है, जो हमारी जैसे कोडम कोलम में बने हैं ना तमिलनाडु में, जैसे फुकुशिमा है जापान में, ये सब मैसिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इनका अगर हम स्मॉल में वर्जन बना दे तो वो बन जाता है हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। दैट इज द ओनली डिफरेंस, साइज का डिफरेंस है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, है ना। इसके आगे एक माइक्रो करके भी आएगा दोनों, देखिए माइक्रो रिएक्टर्स करके भी आएंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, और फिर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है, बस चेंज है, डिफरेंस है इन द साइजेस ऑफ ईच, है ना। तो हमारे जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड प्लांट्स होते हैं या रिसर्च फैसिलिटीज होती है, ये सब कंट्रोल और कंट्रोलिंग थोड़ा सा इनपे क्या बोलते हैं कोऑपरेशन के लिए काम इस पे करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1957 में सेटअप की गई थी एज वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। पीस के पर्पज से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना ये था इनका क्या बोलते हैं मोटिव, और ये इसका सेकेंड ये विद इन यूनाइटेड नेशन बनाई गई है, और 175 मेंबर्स हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, और आई थिंक इसका हेडक्वार्टर वियना वियना में है, ऑस्ट्रिया में, यस वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, ऑस्ट्रिया बोला मैंने, है ना, यूरोप वाला ऑस्ट्रिया। उसके बाद क्या है अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, क्या है एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स है दैट हैव पावर कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 300 मेगावाट्स पर यूनिट, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं छोटा बनाने का, स्मॉलर फुटप्रिंट्स, जहाँ पे मतलब ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे जो मैसिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, वहां पे हम स्मॉल रिएक्टर्स एस्टेब्लिश कर पाएंगे, है ना। तो स्मॉलर फुटप्रिंट होगा और अफोर्डेबल होगा, इसको लेस फ्यूल लगेगा, तो कंस्ट्रक्शन और सेविंग कॉस्ट भी, मतलब कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और सेविंग बढ़ेगी, अफोर्डेबल होगा, राइट। तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रो रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये सब क्या है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। हाइपरलूप सिस्टम जो हमारी स्पेस एक्स बोलते हैं, हमारे जो इलॉन मस्क है उनकी हाइपरलूप जो कंपनी थी, वो एक नए आइडिया को लेके आई थी, देर ट्रैवल करने के लिए हमने वैक्यूम चैम्बर्स बनाए हैं। Excuse me, 2 मिनट। Sorry. Okay. तो वैक्यूम कहाँ थी मैं, तो हाँ हाइपरलूप सिस्टम क्या है, दो ऐसे सिस्टम क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाइपरलूप क्या है, इलॉन मस्क की जो हाइपरलूप कंपनी थी, उनके जो आइडिया था कि हमारे वैक्यूम चैम्बर्स होंगे ऐसे लंबे वाले होंगे, और उसमें हम पॉड्स की मदद से लोगों को इधर उधर भेजेंगे। इससे फायदा क्या होता है, जो मैं आपको शुरुआत में जब इंजन समझा रही थी तो मैं बोल रही थी कि एयर से रेजिस्टेंस होता है, जब हम बहुत तेज आगे बढ़ते हैं तो हमको एयर रेजिस्टेंस देता है, हम जिस ट्रैक पे या रोड पे चल रहा है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, फ्रिक्शन जो होता है वो होता है, तो इन सबसे हमारी स्पीड कम होती है। आपने कभी बुलेट ट्रेन देखी होंगी जापान की, तो यू मस्ट हैव नोटिस कि उनकी है ना ऐसी स्नूट होती है सामने, राइट। तो ये स्नूट, ये हमारे एरोप्लेन जैसी स्नूट क्यों होती है बुलेट ट्रेन से, ये इसीलिए होती है क्योंकि एक एरोडायनामिक टेक्निक होती है, इस तरीके से इंजीनियर की जाती है सो दैट द एयर, जो एयर का जो रेजिस्टेंस हो जाए वो एकदम मिनिमाइज हो जाए, राइट। तो और एक और चीज होती है, मैगलेव करके टेक्नोलॉजी होती है, मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन। जापान की जो बुलेट ट्रेन होती है वो ट्रैक से कम 1 मीटर की ऊंचाई पे, 1 मीटर तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ज्यादा बोल दिया, सॉरी, आई थिंक 100 मीटर्स की कुछ, 100 सेंटीमीटर्स की कुछ ऊंचाई पे, मतलब व्हाट यू नीड टू नो इज जो ट्रैक होता है, और ट्रैक और जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स नहीं, जो भी ट्रेन का जो लोअर पोर्शन होता है और बुलेट ट्रेन का, उनके बीच में कुछ रेंज होती है, समझना है, तो वो डायरेक्ट इस पे वर्क भी नहीं करते, इमेजिन दे आर नॉट इवन ऑन द ट्रैक्स। तो वो एरोडायनेमिक स्नूट करके उन्हें एयर रेजिस्टेंस कम कर लिया, और इस पे डायरेक्ट आई मीन डायरेक्टली ट्रैक्स पे ना चल के उन्हें अपना जो फ्रिक्शन है उसको भी कम कर लिया। सो दिस इज द रीजन वाय जो हमारी जापान की बुलेट ट्रेन होती है वो बहुत फास्ट मानी जाती है उन्हें। ओके, बस दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। तो इंडियन रेलवे कोलैबोरेट कर रही है IIT मद्रास के साथ आविष्कार हाइपरलूप बनाने में, जो इंडियन वर्जन, इंडिजिनियस वर्जन होगा किसका, हाइपरलूप का। व्हाट इज हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, इज बिल्ड ऑन द आइडिया ऑफ वैक्यूम ट्रेन फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लोज चैम्बर्स होंगी कॉल्ड पॉड्स, जिसमें ट्रैवलर्स या जिनको भी इधर उधर से म्यूट करना है वो बैठे होंगे, और
जो हमारी जो ये होती है ना टनल, इस टनल में से प्रॉपरली पूरा एयर, मैक्सिमम जितना वैक्यूम क्रिएट की जा सकती है क्रिएट की जाती है, सो दैट एयर से रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाए. और ऑलरेडी ये है ना ट्रैक्स नहीं होते. अब इमेजिन करिए ऐसा हो, ऐसा अगर कोई मतलब लूप जैसा कोई स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप ट्रैक्स कहाँ बिछाएंगे ना. तो ये भी मैगलेव टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है. क्या कि ये जो हमारी जो ट्रेन होगी, जो पॉड्स होती है जिसमें हमारे ट्रैवलर्स बैठे होंगे, वो तैरेंगे. नॉट एग्जैक्टली इसपे मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा आपके लूप, जो हमारा वैक्यूम चेंबर होगा उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. फिर आगे बढ़ते हैं हम. ये सब वही दिया हुआ है आगे बढ़ते हुए. लिथियम आयन बैटरी, दिस इज अ लिटिल रिलेटिवली इम्पोर्टेंट टॉपिक. लिथियम आयन बैटरी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे 4-5 साल पहले बैटरी होती थी हमारी जो सेलफोन थी, वो बहुत कम स्टे करती थी. बट आजकल 12 आवर्स तो मिनिमम है, 24 आवर्स, 36 आवर्स तक भी स्टे करती हैं बैटरीज. तो ये क्या है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, जो फैमिली ऑफ रिचार्जेबल बैटरी टाइप्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स. अच्छा, ये 4 कंपोनेंट्स हर उसमें होती है, बस जो हम इसमें मैटर यूज करते हैं ना वो चेंज हो जाता है. तो एनोड में जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है, उसके एनोड ग्राफाइट से बनी रहती है. जो कैथोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल. जो कैथोड क्या होता है, हमारा नेगेटिव टर्म है ना. कैथोड पे हमारी लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड प्लेटेड होती है, जो हमारी कैथोड होती है. हमारा जो क्या बोलते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है चैम्बर में, वो होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड इन लिथियम सॉल्ट. और हमारा सेपरेटर, ये जो डायग्राम बनाया है इससे आपको रफ आइडिया हो जाएगा क्या होता है. ये सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होता है लिथियम सॉल्ट का, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है. और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट होती है ना, सिंपल उसमें बता रही हूँ मैं कि हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं कि जो हमारा पॉजिटिव वाले जो क्या बोलते हैं, जैसे ये जो सॉल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, पॉजिटिव होता है ये, नेगेटिव होता है. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है ना, ये इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ये जो Na होता है वो दौड़ता है किसी की तरफ, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो अट्रैक्शन के कारण ये दौड़ता है इसकी तरफ, और इलेक्ट्रॉन दौड़ता है हमारा एनोड की तरफ. जैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, हमारा कैथोड की एनोड की तरफ बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया. जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारे सर्किट में स्टार्ट होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. तो दिस इज लिटिल बेसिक अबाउट हाउ अवर एनी बैटरी वर्क्स. और लिथियम आयन बैटरी भी सेम इसी रफ प्रिंसिपल पे वर्क करती है, बस इनके पास थोड़ा सा बेटर टेक्नोलॉजी होती है, राइट. फिर एडवांटेजेस क्या है लिथियम आयन बैटरी के, हाई स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी होता है, हाई वोल्टेज, हाई एनर्जी डेंसिटी, लो सेल्फ डिस्चार्ज. देखा होगा आपने कि डिस्चार्ज बहुत कम होती है हमारे सेलफोन की बैटरी दीज डेज. डिसएडवांटेजेस क्या है, थर्मल रन अवे, लेस स्टेबिलिटी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, बस दिस इज ऑल दैट यू नीड. फिर हम आते हैं, ये हम है ना अपडेटेड PT365 में एक और बार पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो इंडिया की फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में. और अच्छा, लिथियम प्रोड्यूस करने वाली 3 ट्रायंगल नेशंस है, कौन सी है, हमारी है अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, तीनों साउथ अमेरिका में है. और सबसे ज्यादा वर्ल्ड की 48% के करीब जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो यहाँ पाई जाती है. अच्छा, अब आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा तो साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी सबसे ज्यादा बोलीविया के पास है. तो इट इज द क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट मतलब द कंट्री विद द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी वही करते हैं. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जाम, कि लिथियम सबसे ज्यादा रिजर्व्स किसके पास है, बोलीविया के पास. पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, कि ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए. और इंडिया जो इम्पोर्ट करता है, सबसे ज्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना और हांगकॉन्ग से. तो 3 मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं. सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, बोलिविया के पास है. ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है ना, नॉट बिकॉज इट हैज मोर रिजर्व, बट बिकॉज इट्स जस्ट मतलब वो बस कर लेती हैं. जो बोलिविया के पास है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर पाए, है ना. इनको मैं बताऊंगी आगे कि इनको निकालना पड़ता है, 2-3 तरीके होते हैं लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के, है ना. तो वो एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, दिस इज द रीजन बाय ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट सप्लायर या बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम. एंड येट
वी आर इम्पोर्टिंग, इंडिया इम्पोर्ट्स इट्स मैक्सिमम लिथियम डिमांड्स फ्रॉम चाइना एंड हांगकॉन्ग. तो ये तीन आपके मेजर फैक्ट्स हो गए. देन वी हैव इंडिया में भी अभी लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा है कहाँ पे, कर्नाटक के मांड्या पे. तो कर्नाटक थोड़ा सा है ना, चलिए वहां नहीं आते, थोड़ा प्रॉपर जियोग्राफी है. ओके, लेड एसिड बैटरीज, निकल कैडियम बैटरीज, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज, मेटल एयर एंड सोडियम आयन बैटरीज, ये आपको ऑल सॉलिड स्टेट बैटरीज है ना, ये चार पांच छह जो है इनका नाम पता होना चाहिए आपको और इनके डिसएडवांटेजेस क्या थे ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा. प्रॉपर रीडिंग है अभी पढ़ लेते हैं. चलिए, एडवांटेज क्या है, लेड एसिड की मैच्योर टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट है, डिसएडवांटेज हैवी है बल्कि है, निकल कैडमियम की प्लीज ये आप खुद रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का आइडिया होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू डोंट रीड आई थिंक कॉमन सेंस से आप कर पाएंगे इसे सॉल्व, इवन इफ इट कम्स इन एग्जाम नहीं आएगा वैसे तो, बट आ गया तो मतलब कह नहीं सकते ना, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो रीडिंग करने में कोई बिराई नहीं है, तो आप कर लीजिएगा. उसके बाद फिर हम आते हैं एनर्जी स्टोरेज में. व्हाट इज इट एनर्जी स्टोरेज, इट इज द कैप्चर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फॉर लेटर यूज टू रिड्यूस इम्बैलेंसेस बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड एनर्जी प्रोडक्शन, है ना. एनर्जी डिमांड और एनर्जी प्रोडक्शन, अगर हमने ज्यादा सेव कर लिया किसी बैटरी में या कहीं और, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी जो स्टोरेज है हमारी अच्छी दर्जे की है, और अगर नहीं है तो फिर बस दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. अब हम आते हैं क्या एडवांस सेल केमिस्ट्री पे. न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी ईदर एज इलेक्ट्रोकेमिकल और एज केमिकल एनर्जी. तो एडवांस सेल केमिस्ट्री क्या है, अगर हम जो हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में अगर हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, वो एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी स्टोरेज सिस्टम में आती है. अच्छा, नाउ वी हैव व्हाट BIS, right? Bureau of Indian Standards. Bureau of Indian Standards के बारे में एक रफ आइडिया जल्दी से ले लेते हैं हम लोग कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी. अच्छा, स्टैट्यूटरी ये हुई है 2016 में प्लस बट इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में. तो जब ये एस्टैब्लिश की गई थी ये क्या बोलते हैं, ये स्टैट्यूटरी नहीं थी, 2016 से ये स्टैट्यूटरी हुई है. अच्छा, अब 1947 बोला है मैंने तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली है ना. तो आपको एक रफ मैं इसलिए बोल रही थी कि थोड़ा बहुत ऐसे दो तीन चीजें पता होने से कई बार हेल्प हो जाती है कि हाँ एमसीक्यू में मार्क करने में आप इंटेलिजेंट गैसेस कर पाते हैं. तो ये क्या है, इनने फॉर्मुलेट की है टेस्ट स्पेसिफिकेशंस फॉर लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक. तो कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेवलप कर रही है क्या, आप BIS स्टैंडर्ड डेवलप करने का ही काम होता है इनका. तो इन्हें इलेक्ट्रिक बैटरीज में जो लिथियम आयन बैटरीज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज होंगी उनके लिए गाइडलाइन सेट कर दिए कि देखो ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू वर्क इन इंडिया, ठीक है. BIS के और भी मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स के काम होते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा कि गोल्ड के लिए BIS हॉल मार्किंग होती है गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए BIS हॉल मार्किंग होती है, फिर एक ISI करके होता है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे लगता है ना. तो ये सब BIS के थ्रू ही निकलती है. अच्छा, BIS किसके अंदर आती है, किसी को आइडिया है? आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है ना, ये एक बार चेक कर लीजिएगा. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, पर आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है. और ये जो है एक जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है सेम काम होता है, जैसे ये BIS का काम नेशनल लेवल पे, वैसे एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. इसको एक्चुअली थोड़ा यूरोपियन मतलब थोड़ी अलग लैंग्वेज में है ISO का फुल फॉर्म, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बस ये बता रही हूँ कि जो काम ये नेशनल लेवल पे करती है हमारी BIS वो इंटरनेशनल लेवल पे करती है ISO, है ना. तो इसका आई थिंक हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है. तो इसका नाम थोड़ा है ना ये फ्रेंच में जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अजीब टाइप से नाम है. तो वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार. ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि वॉट इज ISO और क्या करती है, कहाँ पे बनी है, ये एक आइडिया होना चाहिए. देन वी हैव फ्लेक्स फ्यूल. फ्लेक्स फ्यूल क्या होते हैं, पहले तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FFV शेप इन इंडिया. तो FFV क्या है, ट्रेडिशनल व्हीकल है, लाइक ट्रेडिशनल व्हीकल
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, इनके पास खुद का इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, बट इंस्टेड ऑफ रेगुलर पेट्रोल जो हम रेगुलर डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं, ये ब्लेंडेड फ्यूल यूज करता है. तो ब्लेंडेड फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल में इथेनॉल या मिथेनॉल का मिक्स होना. तो इथेनॉल मिक्स कैन वेरी फ्रॉम 20% टू 85%. अभी बोला गया है कि 2025 तक इंडिया शुड बी जो हम यूज करेंगे पेट्रोल वो दैट वुड बी ब्लेंडेड पेट्रोल अप टू आई थिंक 20% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी 2025 तक. तो एफएफवी हमने देख लिया, व्हाट इज इट, एसएचईवी, ये नॉट इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ सकते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ एफएफवी, लेस पोल्यूटिंग, चेक्स ऑन डिवर्जन ऑफ शुगर यूज्ड इन इथेनॉल ब्लेंडिंग. तो जो शुगर, जो हमारी शुगर केन्स होती है ना, शुगर मिल्स जो यूज करती है शुगर केन्स, उनके पास जो खराब मटेरियल, जो लोग वेस्ट मटेरियल बनाते हैं, वो होता है हमारा शुगर केन का, जो वो बचता है, क्या बोलते हैं उसे, पल्प नहीं बोलते उसको, जो भी बोलते हैं, जो फाइबर, जैसे आपने गन्ना रस कभी कभी गए हो, पिया होगा आपने, तो सो वो जूस मेकर के पास जो लेफ्ट ओवर मटेरियल पड़ा रहता है ना, दैट इज, यस, समबडी इज यूजिंग अ वर्ड बैग, एग्जैक्टली. सो वो उससे वर्क करता है, उससे हम इथेनॉल बनाते हैं. तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि ये हर जगह ये वो मैटर अवेलेबल हो. तो ये एक टाइप का चैलेंज भी है कि कांस्टेंट सप्लाई हम कैसे मेंटेन करेंगे इथेनॉल की. दिस हैज बीन अ चैलेंज एंड एज वेल एज अ ड्रॉबैक ऑफ मिथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट. और बस दैट इज ऑल दैट वी नीड टू नो. मूविंग ऑन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स इन कंपैरिजन. इथेनॉल एज अ फ्यूल क्या है, रिन्यूएबल है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमें इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, जिसका मतलब ये है कि ये बेटर परफॉर्मेंस और पावर प्रोड्यूस करता है. इथेनॉल प्रोडक्शन क्रिएट करेगा जॉब्स इन रूरल एरियाज, राइट. तो चैलेंजेस क्या होंगे इथेनॉल एज अ फ्यूल, स्पोरैडिक अवेलेबिलिटी जो मैं बता रही थी कि कहाँ से हम ये सब लाएंगे वो हमें पता नहीं है. इथेनॉल ऑल्सो कॉजेस कोरोजन एंड डैमेज टू द इंजन and is not as economical as gasoline. इसका जो mileage जो provide करती है ना ethanol, बहुत कम माना जाता है. तो ये एक challenge है ethanol blending का. Flex fuel में हमारा significance क्या है, advantage क्या है कि lower cost of running है और better economy to the consumers provide करेगा. But at the same time challenge है हमारी benefit for the environment is less as compared to the other hydrogen fuel cells वगैरह. मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं environment, क्यों हम ये सब अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज पे आए हैं, ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स कम यूज करें और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो. तो ऐसे फायदे कम होते हैं फ्लेक्स फ्यूल्स यूज करने से. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डाइवर्स है, डोमेस्टिक रिसोर्स, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारा पानी अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन भी बहुत आयत में अवेलेबल है. और हाइड्रोजन का ड्रॉबैक क्या होता है कि इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है. तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, ये सब एक चैलेंज है. और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई होता है. बायोडीजल क्या है, लीन बर्निंग एंड रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, इंप्रूव्स फ्यूल ल्यूब्रिसिटी एंड सेफर देन पेट्रोलियम डीजल. तो रफ आइडिया व्हाट इज बायोडीजल. डिसएडवांटेज, हायर विस्कोसिटी, लोअर एनर्जी कंटेंट, हायर नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस. इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव्स फ्यूल इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वर्क करें तो वी शुड हैव चार्जिंग स्टेशन पे, जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए बहुत सारे नंबर पे. तो वो थोड़ी हमारे पास अभी कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी होगी इस रिलेशन में. और बस फिर हमारे पास नेचुरल गैस है, ये डोमेस्टिकली अवेलेबल है, ये इसका एडवांटेज है. और ड्राइविंग रेंज जो नेचुरल गैस व्हीकल की होती है वो जनरली लेस होती है ना, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूल. तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया. ओके, दो मिनट का ब्रेक ले रही हूँ मैं, पानी पी के आती हूँ 2 मिनट में. ओके, आवाज आ रही है ना, कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है यहाँ आसपास, प्लीज जल्दी बताइए सो दैट वी कैन स्टार्ट. ओके ओके, थैंक यू. फिर आते हैं हम फ्यूल सेल पे. फ्यूल सेल क्या है, पहले न्यूज पढ़ लेते हैं. इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बस जॉइंटली किसने डेवलप किया है, CSIR और एक प्राइवेट फर्म है KPIT टेक्नोलॉजी ने, इन्हें इंडिजीनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल को अभी लॉन्च किया है.
तो CSIR हम पहले पढ़ चुके हैं, DSIR के अंदर आती है। DSIR किसके अंदर आती है? MST के अंदर आती है। तो CSIR को एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में। MST मैं बता ही चुकी हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ CSIR कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्लीज भूलिएगा नहीं इसको। और CSIR क्या है? R&D ब्रांच है हमारी MST की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है हमारी किसकी? MST की, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, फ्यूल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस, डिवाइसेस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल ये होते हैं। फ्यूल सेल्स डू नॉट नीड टू बी पीरियोडिकली चार्ज लाइक बैटरीज, बट इंस्टेड इंस्टेड ऑफ इट इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्यूल सेल्स क्या है? एक टाइप की बैटरी है हमारी, जो कैसे वर्क करती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है, और फिर हम इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूल सेल। तो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती है? इसी उस पर वर्क करती है। दिस इज द रीजन वाई यू नीड टू कीप चार्जिंग इट, है ना? तो एक बैटरी होती है, जैसे हमारे फोन में एक बैटरी है। 1 time 100% आपने चार्ज कर दिया, फिर आप कब तक यूज कर रहे हो वो आपका चॉइस है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसी पे वर्क करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जब ये ऐसी जो बैटरीज होती है ना, तो बैटरीज में भी फ्यूल लगता है ना। जैसे लिथियम आयन था, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो हमारा सोल्यूशन था, क्या बोलते हैं, जो लिथियम सॉल्ट था, राइट, वो उसकी नीड पड़ रही थी ना फॉर एक्वस सोल्यूशन। वैसे ही वो उस समय फ्यूल का काम कर रहा था। सिमिलरली, मतलब मैं आपको एनालॉजी बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज इसे ये मत बोलिएगा कि वो जो लिथियम सॉल्ट्स हैं, जो हमारे लिथियम आयन बैटरी में प्रेजेंट रहती है, दैट इज अ फ्यूल। एनालॉजी बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर यूजिंग दीज बैटरीज, है ना? तो इस केस में भी हमारा फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और ये इनकी केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके उसे सेव कर लेता है, एंड देन यू कैन यूज द बैटरी एज लॉन्ग एज, कहाँ तक आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना चाहते हैं उसके यूसेज पे डिपेंड करता है कि कितना बैटरीज में बचेगा। तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली रिफर टू एज द फ्यूल, एंड इट गिव्स फ्यूल सेल, इट्स नेम हाइड्रोजन फ्यूल सेल, राइट? तो एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकता है, पोर्टेबल कम्युनिकेशन में, मिलिट्री में, एप्लीकेशन में, ऑक्सिलरी पावर, दिस एंड दैट, लैपटॉप में यूज, कितना एप्लीकेशन है, हर जगह यूज कर सकते हैं जहां जहां हमें एनर्जी की नीड होती है। फिर बेनिफिट्स क्या है? लोअर ऑपरेशन कॉस्ट ड्यू टू हाई एफिशिएंसी एंड हाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नॉइस फ्री ऑपरेशन, ऑपरेटिंग टाइम इज मच लॉन्गर इन अदर केसेस, बस ये सब बेनिफिट्स हो सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, अगेन मैं जो बोल रही हूँ, हाइड्रोजन में जहां भी आपको हाइड्रोजन दिखा, एकदम बिठा लीजिए कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोरेज में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम कहीं दूर भी आग होगी तो, जैसे आपने कई वीडियोस देखे होंगे ना पेट्रोल पंप में, कि कोई दूर खड़े होकर स्मोक कर रहा था या कोई दूर खड़े होकर मोबाइल चला रहा था, तो आपकी पेट्रोल की टंकी पे आग लग गई। तो उसी टाइप का है, बहुत कम इसका वो होता है, क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोल रही हूँ मैं, इग्निशन जो पॉइंट होता है बहुत कम होता है, और उससे बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो इसे स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। फिर स्टेप्स टेकन क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ। एथेनॉल ब्लेंडिंग, BS4 से BS6 हम 2021 में ही आ चुके हैं। BS4 और BS6 क्या है? ये स्टैंडर्ड्स है कि आपकी इंजन कैसे होने चाहिए, है ना? उसके बाद हम आते हैं हाउ फ्यूल सेल वर्क्स। तो वही सेम केस है, देखिए ये स्ट्रक्चर सेम है जैसे आपका लिथियम आयन बैटरी में होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, बस यहाँ बीच में जो फ्यूल होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स प्रोवाइड करता है, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू द सर्किट एंड देन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो इस केस में हमारा क्या है? हाइड्रोजन और वाटर होता है, और इस वाले सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इस वाले में एक और फायदा होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हीट होता है और वाटर होता है, और दोनों ही environmental friendly hai, so this is something that you need to remember. Then we have hydrogen powered engines. Hydrogen powered engine kya hai? Dekhiye, do type abhi aap padhenge isme, ek hoga hydrogen internal combustion engine aur dusra hoga hamara hydrogen fuel cell jo abhi hum padh rahe the. Dono ke beech mein difference kya hai? Jo hydrogen internal combustion engine hai na, jaise petrol hota hai, abhi aap कार चला रहे हैं, आप इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, एंड देन आप लेट अस से 40 किलोमीटर चले, तो इसमें बैटरी वैटरी का कोई रोल नहीं है ना, तो जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा आपकी गाड़ी रुक जाएगी,
तो सेम प्रिंसिपल पे हमारी हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन वर्क करती है, बस पेट्रोल की जगह आपकी हाइड्रोजन डली रहती है। इसमें कहीं भी आपको बैटरी वगैरह मतलब होता नहीं है, स्टोर नहीं होती कहीं एनर्जी। जैसे आपका हाइड्रोजन खत्म होगा टैंक से, खत्म, जैसे सीएनजी होता है ना, सीएनजी बेस्ड जो होते हैं आपके ऑटो वगैरह देखे होंगे, कार्स वगैरह देखे होंगे, तो ये वैन्स जो स्कूल वैन्स होती है एलपीजी पे भी जलती है। तो वंस दैट फ्यूल जो आपकी सिलेंडर है, जो टैंक है, उसमें फ्यूल खत्म हुआ और आपकी फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन। बट ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या करती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपकी जो व्हीकल होती है उसमें सेल का काम करती है, बैटरी का काम करती है। आप एक बार उसको रिचार्ज कर लो, रिचार्ज करवाना पड़ता है। जो आपका फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन जो होता है ना बैटरी में, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, आपको बस उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो फ्यूल भरवाना नहीं पड़ता, रिचार्ज करना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में कि आपका फ्यूल खत्म हो गया तो खत्म, फिर आपको नया फ्यूल डलवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिचार्ज करना पड़ता है जो हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब 15-20 दिन के बाद जब रिकॉर्डिंग मिलेगी, जब आप रिवाइज करने होंगे या खुद आपने कहीं लिख लिया होगा, तो ये एक बार देख लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है ना। तो थोड़ा सा दिस कैन बी कंफ्यूजिंग। देन अब हम लास्ट लास्ट में आ रहे हैं, रोशनी, इट इज इंडिया सेलीन वाटर सेलाइन वाटर लैंटर्न व्हिच यूजेस सी वाटर एज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन स्पेशली डिजाइंड, एक्सक्यूज मी, स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड्स टू पावर द एलईडी लैंप्स। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने डेवलप की है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है। 1993 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, मिशन इनोवेशन क्या है, लॉन्च एज एन लॉन्च इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन। बायो, अच्छा ये है ना मिशन इनोवेशन, ये इंडियन मिशन नहीं है ना, तो थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन, व्हाट आई मीन टू से, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्टिल लिटिल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन, इट वाज लॉन्च विद द गोल ऑफ रिप्लेसिंग 10% ऑफ द फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स, केमिकल्स एंड मटेरियल्स विद बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स बाय 2030। मतलब हमारी दुनिया में जितने भी फॉसिल बेस्ड फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं उनका, उसका 10% हम बायो बेस्ड फ्यूल प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें। जैसे हाइड्रोजन पे वर्क करने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायो डीजल्स, इथेनॉल, इन सबसे हम रिप्लेस कर पाए। दिस इज इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन। जो मिशन इनोवेशन है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है टू कैटलाइज द एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन टू मेक क्लियर एनर्जी अफोर्डेबल, एनर्जी क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल थ्रू आउट द कंट्रीज। मतलब सिर्फ डेवलप कंट्रीज तक इसका एक्सेस ना रहे, डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप नेशन, जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है उनके पास भी इसे यूज करने का, जो हमारी क्लीन एनर्जी है उसे यूज करने की टेक्नोलॉजी पहुंचे, उसके लिए ये मिशन इनोवेशन बनी है। 22 कंट्रीज हैं यू के अलावा, और इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर इन दिस। इसके ये जो अभी आईबीएम मिशन है, इसके अलावा इन्हें 5 और मिशन निकाले थे, जैसे क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड अर्बन ट्रांजिशन। इन सबका बेस सेम यही है कि 10% ऑफ द फॉसिल फ्यूल को आपको किससे रिप्लेस करना है, बायो बेस्ड फ्यूल्स, दैट इज ऑल। मतलब क्लीन एनर्जी, ये है इनका डिमांड, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए दुनिया। ओके, यूके और नीति आयोग ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ई अमृत। ई अमृत इज एक्सेसिबिलिटी ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसफ्यूशन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन अमृत। ये हमारी नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। एक ई अमृत करके पोर्टल भी है नीति आयोग का, तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीडेड टू नो। और एसीसी का फुल फॉर्म एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये हम ऊपर देख चुके हैं। नाउ वी कम टू नो बी प्राइज इन केमिस्ट्री, किसे मिला है, कैरोलाइन आर बर्टोजी मार्टिन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस को मिला है इस बार केमिस्ट्री में, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। अच्छा, कुछ ट्रिविया दी गई है कि सेकेंड ये हमारे बैरी शार्पलेस का सेकेंड नोबेल प्राइज है। इससे पहले 2 नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, मैडम क्यूरी को मिली है, आई थिंक शी इज द ओनली लेडी टू हैव वन नोबेल प्राइज ट्वाइस, लाइनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन एंड फ्रेडरिक सैंगर, इनको भी मिल चुका है नोबेल प्राइज ट्वाइस ट्वाइस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हें इससे पहले किसके लिए मिला था, चार्ली एक्टिवाइज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। ओके,
ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नोबेल प्राइज सिर्फ ह्यूमन मतलब इंसानों को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता? बट नहीं, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है नोबेल प्राइज, ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये जो हमारे मेडिकल फील्ड के लोग होते हैं ना, उनसे रिलेटेड होता है। इसने 3 बार इसे जीता है, जबकि UNHCR ह्यूमन कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, और UN रेफ्यूजी एजेंसी, इसने भी 2 बार जीता है। तो 3 बार एक ऑर्गेनाइजेशन जीत चुके हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ इंसानों को मिलता है नोबेल प्राइज, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज क्लिक केमिस्ट्री? क्लिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन विच मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स स्नैप टूगेदर क्विकली एंड एफिशियंटली। इसे आपने कभी देखा होगा, ये फ्लाइट में जो आपकी सीटी की पेटी होती है, जो एक और एग्जाम्पल है, जो हमारी एक्चुअली वो थोड़ी इजियर होती है समझने के लिए। दूसरा, आप जो आपके बैग्स होते हैं, नहीं वो भी नहीं, जो आपका कार में जो सीट बेल्ट होती है, जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं ना, सीट बेल्ट, तो आपने देखा होगा कि आपको बस उसको थोड़ा सा उठाना रहता है और वो घुस जाता है, ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, राइट? तो क्लिक केमिस्ट्री भी ऐसी होती है। इमेजिन करिए कि जो आपकी सीट बेल्ट है, उसका जो हुक है और जो आप उसके अंदर जो प्लेट होता है, जो आप इंसर्ट करते हैं, राइट, वो दोनों आपके दो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही एक दूसरे के पास एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आते हैं ना, वैसे ही वो एक दूसरे को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक इन द मतलब इंस्टेंट उनके बीच में कुछ ऐसे एक्शन रिएक्शंस होते हैं कि वो मिलके एक बेटर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं, बहुत जैसे एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक स्टिमुलाय मिला, उन्हें जल्दी से क्लिक कर लिया, एंड नाउ द मॉलिक्यूल जो पहले दो अलग अलग थे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो दिस इज क्लिक केमिस्ट्री। तो ये वन से रिएक्शन, ये एक एग्जांपल दिया गया है कि क्लिक केमिस्ट्री का एक एग्जांपल है हमारा, कौन सा रिएक्शन जब होता है, कॉपर कैटेलाइज एजाइड एल्कलाइन साइक्लो एडिशन। बस ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आपको पता होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। तो कैरोलाइन बर्टोजी डेवलप क्लिक रिएक्शन दैट वर्क इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मैप इम्पॉर्टेंट बट इल्यूसिव बायोकेमिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स कॉल्ड एज ग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस क्या है? अच्छा, इन्हें क्या किया है, क्लिक रिएक्शन का यूज करके स्टडी करने की कोशिश की है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन सिंपल वर्ड्स की कैसे रिएक्शन होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और उन्हें इसको सर्फेस पे एक सेल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ग्लाइकेन। ग्लाइकेन क्या होता है, जैसे आपने पॉलिथिन सुना है ना, पॉलीथीन क्या होता है, पॉली इथिलीन, इथिलीन के पॉलीमर्स, मतलब लंबा चेन, इथिलीन का लंबा चेन होता है, उससे हमारा मतलब पॉलीथीन। तो ग्लाइकिन क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का लंबा चेन होगा, पॉली मतलब मल्टी, है ना। सैकेराइड्स क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट के लंबे चेन होते हैं ग्लाइकिन। तो उनको स्टडी करके हमने क्लिक केमिस्ट्री का इजाद किया है। और ये जब जो क्लिक केमिस्ट्री हम बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल रिएक्शंस, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। सिग्निफिकेंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स रिसेप्टर्स एंड लिगेंड्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, जैसे दैट मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक DNA, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब देख लीजिए, रफ आइडिया होना चाहिए आपको बस। उसके बाद आते हैं हम नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, एक्सपेरिमेंट्स विद एंटैंगल्ड फोटॉन्स, जो मैं उस दिन बता रही थी कि एक अगर कोई वेव इधर प्रेजेंट है, और ऐसा माना जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में कि देयर विल बी अनदर वेव एग्जैक्टली इन सम अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमारी विसिनिटी में हो, एक वेव की विसिनिटी में हो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि सेम क्वांटम स्टेट में कहीं दूर प्रेजेंट रहेंगी एक और ऐसा वेव, जिससे आप प्रेजेंटली जो आपके पास वेव है, उससे उस दूसरे वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर पाएंगे। तो वही है हमारा क्या, एंटैंगल फोटोन। और इसके एक्सपेरिमेंट और बेल वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी, इसे इसको पढ़ने के लिए नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में किसको, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन जेलिंगर को। दे डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल टू इन्वेस्टिगेट कंट्रोल एंड कंट्रोल पार्टिकल्स दैट आर इन एंटेंगल स्टेट। तो क्या किया उन्हें, एंटेंगल स्टेट्स में जो पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, फोटॉन्स या कोई वेव प्रेजेंट रहता है, तो उन्हें स्टडी करके इन्वेस्टिगेट किया है इन्हें, और इन्हें कोशिश किए समझने की क्या हम इन एंटेंगल स्टेट ऑफ फोटॉन्स या पार्टिकल को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इस पे उनकी स्टडी रही है. एंटैंगलमेंट इज व्हेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि जो मैं समझा रही थी उससे रिलेटिवली इजी लैंग्वेज में दिया गया है. एंटैंगलमेंट इज व्हेन मल्टी ऑब्जेक्ट्स सच एज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स शेयर अ सिंगल क्वांटम स्टेट. तो देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कोई पार्टिकल है, वन का मीनिंग हो सकता है, ये बस समझाने के लिए है. वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंटैंगलमेंट ऑफ अ फोटोन. तो अगर इस स्टेट में माना जाता है, जैसे आपने वो श्रोडिंगर की कैट का सुना होगा, वी डोंट नो कि बॉक्स के अंदर कोई कैट है वो जिंदा है या मरी है. इट कैन बी अलाइव और इट कैन बी डेड. वी डोंट नो व्हाट द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर कैट इज. बस वही है, ये जो पार्टिकल है दिस कैन बी रेड और दिस कैन बी पर्पल. अगर वन है तो रेड है और टू है तो ब्लू पर्पल है. ठीक है, एक आइडिया दे रही हूँ मैं. ये हमको इस वाले जो फोटोन है या पार्टिकल है उसकी स्टेट पता है. तो हमें पता है कि ये अगर एंटैंगल्ड है किसी और पार्टिकल से, तो हमको 101% पता होगा कि या तो वो ब्लू होगा या तो वो रेड. दिस इज व्हाट इज एंटैंगलमेंट. तो बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन पार्टिकल वी कैन इमीडिएटली डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ इक्विवेलेंट मेजरमेंट ऑन द अदर. दिस इज व्हाट इज एंटैंगलमेंट इज. दे आल्सो डेमोंस्ट्रेटेड अ फिनोमेना कॉल्ड एज क्वांटम टेलीपोर्टेशन. जो मैं बता रही थी ना, बंद करके आप मतलब टेलीपोर्ट कर सकते हैं. ये साईफाई मूवीज में बहुत यूज की जाती है कि आप पर्टिकुलरली अगर भोपाल में है तो मैंने टेलीपोर्ट करके मैं पहुंच गई दिल्ली में. तो दिस इज टेलीपोर्टेशन. पर अभी प्रॉब्लम, मैं उस दिन भी बता रही थी, प्रॉब्लम क्या है कि हम टेलीपोर्ट तो कर पाते हैं पर जो मैटर हम भेज रहे हैं वो सेम स्टेट में अवेलेबल नहीं होता, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना. तो इस पे अभी वर्क चालू है. सो दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड अ फिनोमेना कॉल्ड एज क्वांटम टेलीपोर्टेशन, अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग अननोन क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, इमेजिन करिए अगर हम कभी टेलीपोर्टेशन कर पाए और मैसिव लेवल पे कर पाए, तो फ्रॉम Earth, you can teleport to moon, or from let us say India, you can teleport to America. So imagine ये transportation कितना easy हो जाएगा, but at the same time disadvantages भी इसके बहुत होंगे. तो yes, a little idea about that. Okay, Bell inequalities make it possible to differentiate between quantum numbers, indeterminacy and an alternative description using secret instructions. देखिए, long story short, quantum mechanics में कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिसमें माना जाता है कि अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि अगर आपको मोमेंटम पता है तो आपको वेलोसिटी पता नहीं होगी, अगर आपको एनर्जी पता है तो आपको टाइम पता नहीं होगा, और अगर आपको पता चल गया दोनों के बारे में तो उनके बीच में डिफरेंस होता है, एरर होता है. एरर कितना होता है? एच कट बाय टू, इसका एरर होगा. इस मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मेरे पास एनर्जी है, दो यूनिट की एनर्जी है, और टाइम जो है मेरे पास, लेट अस से उस एनर्जी को एक्वायर करने में मेरे पास दो यूनिट की एनर्जी है, और उस एनर्जी को एक्वायर करने में मेरे पास लेट अस से कितना कुछ एच का टाइम लगा. राइट, समझ में आ रही है बात? यूनिट एनर्जी है दो एच कट, मुझे एच कट क्या होता है, 6 × 6.234 × 10⁻³⁴ अपॉन 2, ये होता है ना. इतना सेकंड का टाइम लगा मुझे टू यूनिट को जनरेट करने के लिए. गॉड, ये डिलीट करने वाला कहां चला गया? शिट, पता नहीं कहां चला गया. 2 मिनट कहीं मिस हो गया. तो चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये बोल रही थी कि एनर्जी हमारे पास दो यूनिट है और हमारी टाइम क्या है, 6.23 × 10⁻³ - 34 अपॉन 2. अगर हमारे पास ये दोनों दिए हैं तो ये अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको इन दोनों में एरर होगा कितना, एच कट बाय टू की वैल्यू का. इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बेल इनइक्वालिटी समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसे पेयर्स होते हैं जिसको आप साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर पाते, जैसे मैंने बोला एनर्जी और टाइम. तो उन केसेस को, उनको स्टडी करने के लिए बेल इनइक्वालिटी बताती है कि देयर इज अ पॉसिबल, इट इज इनइक्वालिटी मेक्स इट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स इन डिटरमिनेंसी एंड ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ using secret instructions or hidden variable. मतलब कुछ secret instruction या hidden variable को study करके हम precisely निकाल पाएंगे कि energy और time को एक साथ simultaneously determine कर पाए. So I hope I made sense. बहुत ही है, थोड़ा सा क्या है, complex quantum mechanics का part है.
तो इतने डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, ओनली रफ आइडिया इज ऑल दैट यू नीड। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क क्या है? अब हर जगह क्वांटम का यूज हो रहा है, तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर जो क्यूबिट्स है उसमें कैसे वर्क करेगा, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो मैं बता रही थी कि कैसे हम प्रॉपरली कोड करके सिक्योरिटी एनहेंस करके क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योरिटी एनहेंस कर सकते हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंस होता है वर्क का। और इनके वर्क ने जिनको नोबेल प्राइज मिला है, इनने फाउंडेशन ले की है किसकी? क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो व्हाट इज क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस? इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन यूजिंग क्वांटम मैकेनिक प्रिंसिपल्स। तो क्वांटम मैकेनिक के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हुए हम पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, QIS से। व्हाट इज इट? क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, राइट। देन वी हैव नोबेल प्राइज ऑन ऑन मेडिसिन। क्या है ये? डिस्कवरी फॉर जीनोम्स ऑफ एक्सटेंट ह्यूमन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में डीएनए हमें कहाँ कहाँ से, हमारे किस किस एंसेस्टर से हमें डीएनए मिले हैं उसे पढ़ा है किसने? स्वांटे पाबू ने। ये स्वीडिश जेनेसिस्ट है। ही सीक्वेंस द जीनोम ऑफ अ नियंडरथल। ये थोड़े हमारे बोले जाते हैं कि हमारे एंसेस्टर रहे हैं अराउंड 30,000 ईयर अगो, रहते थे पृथ्वी पे, बट दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट। और इनके कई हमारे पास क्या बोलते हैं जीन्स आए हुए हैं, तो दे प्ले अ मेजर रोल इन हाउ द प्रेजेंट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स लुक, उसमें उनका मेजर रोल रहा है। फिर नियंडरथल्स डेवलप्ड आउटसाइड अफ्रीका। जो ह्यूमन होता है ना उसका एवोल्यूशन माना गया है कि अफ्रीका पे स्टार्ट हुआ है, एंड फ्रॉम अफ्रीका दे हैव स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। तो नियंडरथल्स आर डेवलप्ड आउटसाइड अफ्रीका, पॉपुलेटेड यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया अराउंड 4 लाख ईयर्स अगो, एंड दे वर एक्सटेंड अराउंड 30 ईयर्स अगो। माना जाता है कि ये जो हमारे होमो सैपियंस और हैं प्रेजेंट डे जो ह्यूमंस हैं और जो ये नियंडरथल्स हैं, इनके बीच में लड़ाई हुई थी और पूरे होमो सैपियंस ने नियंडरथल्स को एकदम खत्म कर दिया था, है ना। तो इवन नियंडरथल्स, ये भी माना जाता है कि दे वर रिलेटिवली बेटर, मतलब बेटर स्पीशीज थी एज कम्पेयर टू ह्यूमंस जो हमारी थी होमो सैपियंस, मतलब जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस है, बेटर स्पीशीज मानी गई थी, बट स्टिल दे लॉस्ट द बैटल। क्या रीजन है वी डोंट नो। तो साइंटिस्ट आर स्टिल स्टडिंग, दैट इज व्हाई आपको कई बार ये सुनने को मिलता रहता है अबाउट नियंडरथल्स, क्योंकि स्टडीज चलती रहती है। ओके, ही एनालाइज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल और एक होता है न्यूक्लियर डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है? वो आपकी मदर की लिनिएज को बताता है कि आपकी माँ की फैमिली और माँ की माँ, ग्रैंड मॉम, ग्रैंड मॉम की ग्रैंड मॉम, ये पूरी आपकी लीनियज बताता है मदर साइड से। तो मैट्रिलिनियल लीनियज के बारे में आपको बताता है आपको ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो आपको पूरा इनहेरिटेंस देता है कि पूरी फैमिली, आप, आपके दोनों पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके बारे में पूरा आपको आइडिया दे देता है। आपने कई बार देखी होगी ना कि अभी हम देखते हैं कि इंडिया में जीन मैपिंग होती है कि कितने लोग एक्चुअली नेटिव्स थे इंडिया के, तो वो सब इसी से होता है कि हम, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पढ़ते हैं और उसके बाद हम न्यूक्लियर डीएनए भी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम जो बाकी पॉपुलेशन है उसके, एक हमारे पास सैंपल डेटा होता है उसे कंपेयर करते हैं, फिर उससे हमें आइडिया लगता है कि ओके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी समवॉट सेम है। देन वी हैव न्यूक्लियर डीएनए जो हमारे पूरा इनहेरिटेंस बताता है, तो उससे उनको आइडिया लगता है कि नहीं, दिस पर्टिकुलर लीनिएज इज नेटिव टू इंडिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ जीन इंफॉर्मेशन इट प्रेजेंट्स। अच्छा, मतलब इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है कि इसके पास फ्रैक्शन ऑफ जीन इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है फ्रैक्शन, पर भले छोटा इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पर इनके पास बहुत सारी कॉपीज होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बहुत कॉपीज होती है, बहुत आयत में होती है, पर कम होता है जो डीएनए में जितना मटेरियल कोडिंग होती है थोड़ी सी कम होती है, पर बहुत सारी कॉपीज होती है। जो न्यूक्लियर डीएनए होती है इसका अपोजिट होता है, बहुत सारा डीएनए मैटर हमारे पास उस डीएनए में स्टडी करने के लिए बहुत होता है, पर कॉपीज बहुत कम होती है और ये बहुत जल्दी मॉडिफाई हो जाते हैं ओवर टाइम, मतलब चेंज, केमिकली चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको सीक्वेंस करना मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम माइटोकॉन्ड्रियल को सीक्वेंस करना रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ जीन्स कम होते हैं, तो इनमें केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है, पर इनके पास कॉपीज बहुत सारी प्रेजेंट होती है, तो अगर कुछ पोर्शन खराब भी हो जाए पर इतनी कॉपीज होती है कि आप बाकी उससे स्टडी कर पाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल एंड न्यूक्लियर डीएनए। इनहेरिटेंस का मैं बता चुकी हूँ कि आपकी पूरी लीनेज को हेल्प करता है पढ़ने में, ये गलत दिया है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, कंपेयर
कट करके इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आपकी मदर की लीनियज पता चलती है, ये होगा। ये शेप क्या होता है न्यूक्लियर डीएनए का, लीनियर होता है, ये थोड़ा क्लोज सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स जीनोम इंक्लूडिंग एमडीएनए, मतलब ये न्यूक्लियर डीएनए के पास एमडीएनए, ऑफ कोर्स आपके पास अगर कोई आप फॉसिल स्टडी कर रहे हो उसके पास सेल होगा ना, आप सेल को स्टडी करते हैं ना, तो सेल के पास न्यूक्लियस के अलावा बाहर माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़ा रहता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी राइट। तो इसके पास एमडीएनए भी होता है, फिर इनके पास सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट की कोई ऑप्शन ही नहीं रहती। शेयर इन जेनेटिक मेकअप 99.75% हमारा न्यूक्लियर डीएनए ही होता है, बट 0.25% हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। रेप्लिकेट क्रिएशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए। क्या है, ही ऑल्सो फाउंड दैट द जीन ट्रांसफर हैड अकर्ड फ्रॉम दीज नाउ एक्सटेंड। वही मैं जो शुरुआत में बता रही थी कि जीन ट्रांसफर भी हुआ है हमारे नियांडरटाल से, और अभी एक और हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ है वो नाम, मेरे को एक्चुअली आई फॉरगॉट द नेम, हाँ डेनिसोवन, इनसे भी हमारे पास जीन ट्रांसफर हुआ है। ओके तो सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क, न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन कॉल्ड एज पेलियोजेनोमिक्स। पेलियो जहाँ पे आपको दिख जाए ना, पेलियो का मतलब होता है एंशियंट, तो एंशियंट चीज को स्टडी करना, जैसे पेलियंटोलॉजी होती है वो फॉसिल्स को स्टडी करती है राइट, वैसे पेलियोजेनोमिक्स इनके जो वर्क है, इसने एक साइंटिफिक डिसिप्लिन को इजाद दिया है जिसका व्हाट इज इट, पेलियोजेनोमिक्स, इट इज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ जीन्स ऑफ एंशिएंट और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। हिज वर्क ऑन डिफरेंस बिटवीन लिविंग ह्यूमंस एंड एक्सटिंक्ट होमिनिन्स इज यूजफुल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ एंशिएंट फ्लोज ऑफ जीन हैज टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल जो हमारी नियांडरटल जीन्स है, कौन सी, इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमें इम्यून रिस्पॉन्स जो मैं कल समझा रही थी ना कि WBCs एकदम एक्टिव हो जाती है जब इन्फेक्शन होती है, तो वो हमारा ये इम्यून रिस्पॉन्स हमें कहाँ से मिला है, नियांडरथल की जीन से, और डेनिसोवन जीन से हमें क्या मिला है, एडवांटेज फॉर सर्वाइवल एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे टिबेटन एरियाज में बोला जाता है कि ऑक्सीजन एल्टीट्यूड्स के कारण कम हो जाता है, दैट इज द रीजन व्हाई पीपल देयर आर शॉर्ट, है ना। तो वो जो ट्रेट होता है वो किससे एडजस्ट हो रहा है, किस जीन से एडजस्ट हो रहा है, EPAS1 से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। जैसे ACE2 आ गया था 2021 में, वैसे ये डायरेक्ट पूछ देगा कि EPAS1 क्या है। तो EPAS1 एक टाइप का जीन है जो हमारे एंशंट जो हमारे एंसेस्टर्स थे डेनिसोवन उनसे हमारी बॉडी में आया है, और काय के लिए हेल्प करता है, हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। नाउ वी कम टू द लास्ट मिसलेनियस में, हम आ गए हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न। ये एक्चुअली थोड़ा स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बाउंड्री पे है जो हमारा सर्न है। नहीं, सॉरी सॉरी मिक्स हो गया, ये हमारा जो अभी इसमें आगे हम ये एलएचसी है ना, एलएचसी एक्चुअली स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बाउंड्री में, तो वो बताना चाह रही थी मैं। सर्न इसलिए बोल रही थी कि स्विट्जरलैंड में है ना, तो थोड़ी इसका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, ये इसका इंग्लिश नेम है। जो सर्न है ये एक्रोनिम जो बना हुआ है, ये सर्न उसका लोकल लैंग्वेज में जो उनकी जो इंस्टीट्यूट डेवलप है, जो स्विस लैंग्वेज है ना, वहां पे सर्न बोलते हैं। ओके एनीवेज, तो कहाँ पे थी हम, हेडक्वार्टर इसके जेनीवा में है स्विट्जरलैंड में। 1954 में इसे फाउंड किया गया था एज अ प्रोबिंग फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा, 23 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, और इसकी की अचीवमेंट्स हैं हिग्स बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, ये सब जितने भी पार्टिकल्स हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा, ये जितने भी चीजें हैं ये सब एलएचसी के थ्रू इन्हें फाइंड की गई है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सर्न है, सर्न के हेडक्वार्टर्स के बाहर है ना नटराज की प्रतिमा लगी है। नटराज जो हमारे मानते हैं ना, जो शिव, जो यूपीएससी के मेंस में भी एक बार आया था, तांडव, शिव तांडव का जो मुद्रा होती है ना, जिसमें एक पैर खड़ा करके वो एक मुद्रा बनाते हैं, शिव तांडव करते हुए जो उनको पोट्रे किया गया है, तो उनकी, नटराज की मूर्ति वहां बाहर लगी हुई है सर्न के बाहर। क्यों लगी हुई है, बिकॉज साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट कि जो हमारा एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस का क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, वो शिव तांडव को डिनोट करता है। मतलब जैसे शिव तांडव में जो स्टेप्स वगैरह हैं उस टाइप के, उसका मूवमेंट सम वॉट इज सिमिलर लाइक दैट ऑफ द शिव तांडव, दैट इज द रीजन वाई उनने उस मूर्ति को वहां एस्टेब्लिश किया है। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये आइडिया मैं आपको देना चाह रही थी कि हाउ दीज आर बोथ कनेक्टेड ना, पूछा जा सकता है जस्ट इन केस।
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये 2008 में आई वाज वेरी यंग, और बोल रहे थे कि अगर एलएक्सी को आपने ऑन कर दिया तो अर्थ पे ब्लैक होल बन जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है. जो आपने, अगर समबडी वॉचेस फ्लैश जो डीसी कॉमिक्स में, या फ्लैश आपको उसके बारे में पता होगा जो सुपर ह्यूमन था, है मतलब, तो हाउ वो भी इसी टेक्नोलॉजी, दे आल्सो यूज द सेम पार्टिकल एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी, राइट. तो एलेक्सी क्या कर रही है, डार्क मैटर को स्टडी कर रही है फिलहाल. 2008 में स्टार्ट की गई थी सर्न की एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िया. हाउ इट वर्क, एक्सेलरेशन 27 किलोमीटर की रिंग है, इतनी लंबी रिंग है, और उसमें हम अलाउ करते हैं किसको, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनको हम अलाउ करते हैं कि ये अपनी मैक्सिमम स्पीड को रीच कर पाए. तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, 3×10⁸, राइट. जो लाइट की स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड तो वो अचीव नहीं कर सकते. तो वेन पार्टिकल्स आर इन दिस इतने हाई स्ट्रेंथ की स्पीड में जब वो रन करते हैं या चक्कर लगाते हैं ना, तो ये कुछ फिजिकल फिनोमेना को वर्ड करते हैं. तो इसी से इन्हें हिग्स बोसॉन, जो हमारा माना जाता है कि हिग्स बोसॉन से ही पूरी यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, राइट. तो हिग्स बोसॉन को, डब्ल्यू बोसॉन को, इन सबको इसी इसी फिनोमेना के थ्रू फाइंड किया गया है. और उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक्सेलरेट करते हैं दो पार्टिकल्स को, और फिर इनको कोलाइड करा देते हैं, और फिर उसको स्टडी करते हैं कि उस कोलिजन से क्या क्या डेवलप हुआ. फिर फोर पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं, एटलस है, सीएमएस है, एलिस है, एलएचसीडी है, एटलस का फुल फॉर्म, और टोरोइडल एलएचसी अपैरेटस, सीएमएस का कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलिनॉइड, एलिस का लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, एलएचसीडी स्टडी ऑफ फिजिक्स, एंड बीस मीसॉन डिकेज ऑफ एट एलएचसी. अ लिटिल आइडिया अबाउट द फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्या है, ये जो LHCb था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, हैज ऑब्जर्व थ्री न्यू पार्टिकल्स एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइज, सर्न में थ्री न्यू पार्टिकल्स देखे हैं ब्यूटी एक्सपेरिमेंट में. एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये जो डेवलप हुआ था, ये जापान के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, और इन्हें बहुत ही तूफानी नाम रखे हैं, फ्लेवर है कुछ को, मतलब ये सब फिजिकल फिनोमिनाज हैं, फिजिक्स के फिनोमिनाज हैं, और इनके नाम है फ्लेवर, ब्यूटी, चार्म, ट्रुथ, डेयर, डेयर नहीं है, मतलब अप डाउन, टॉप डार्क, ऐसे अजीब अजीब से नाम रखे हैं. तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स की जो ब्यूटी वाली ब्रांच को स्टडी कर रही है ना, एक टाइप की प्रॉपर्टी है मैटर की, ओके, ब्यूटी, उसको जो स्टडी कर रही है, यह है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, हैज ऑब्जर्व तीन न्यू पार्टिकल्स को इसने ऑब्जर्व किया है. एक है पेंटाकॉक, और पहली बार टेट्रा क्वार्क बने. क्वार्क क्या होते हैं, क्वार्क आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट यूजुअली कंबाइन इन ग्रुप्स ऑफ टूज और थ्री, कभी भी सिंगल अवेलेबल नहीं होते. दिस इज द रीजन वाई बहुत सालों तक, अंटिल रिसेंट पास्ट, हमें क्वार्क के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था. क्वार्क के बारे में इसीलिए हमको आइडिया नहीं था क्योंकि ये किसी से इंटरैक्ट नहीं करते और हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहते हैं. तो जब दो के पेयर में प्रेजेंट हो गए तो ये बना लेते हैं, दो या तीन के पेयर में, जैसे अभी वाले केस में टेट्रा क्वार्क, चार के पेयर, चार ने ग्रुप कर लिया और इन्हें टेट्रा क्वार्क बना दिया. तो ये एक क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल बन गया, और हम एक्चुअली देखते हैं टेट्रा क्वार्क को है, पर हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली सब सब लेवल पे ये सब क्वार्क है, सब एटॉमिक लेवल पे. तो क्वार्क क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, वैसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, पर प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है. तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया आपको इसके बारे में, मैं इसके बारे में आई कैन रैंट अबाउट दिस ऑल डे, बट इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ये वॉज अ लेजेंडरी साइंटिस्ट. इनका 164th बर्थ एनिवर्सरी मनाया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, मतलब बॉटनिस्ट भी थे और वो फिजिसिस्ट भी थे, मतलब उनको बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट था और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, मतलब हाउ हाउ स्ट्रेंज ऑफ अ कॉम्बिनेशन दैट इज, राइट. ही फाउंडेड द बोस इंस्टीट्यूशन इन 1917, और इट वॉज द एशिया, ये जो बोस इंस्टीट्यूट था ये एशिया का फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर था, विच फोकस्ड ऑन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च. जैसे अभी तक, अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बट इससे पहले बोला जाता था कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, है ना, ऐसे डिवाइडेड थे, पर ये इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च में विश्वास रखते थे कि कॉमर्स वाले कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सके. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, बस एग्जाम्पल समझिए आप, कि इंटर डिसिप्लिन में मैथ्स के साथ आप बायो भी ले सकें, इस टाइप का
एक रिसर्च सेंटर इन्हें एस्टैब्लिश किया गया था, और अभी भी दिस हैज बीन एन ऑटोनोमस ग्रांट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डीएसटी. डीएसटी किसके अंदर आती है? एमएसटी के अंदर. ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड यूएस पेटेंट इन 1904. सोचिए उस टाइम पे कॉलोनाइज इंडिया में इन ये फर्स्ट एशियन थे जिन्हें यूएस पेटेंट मिला था. एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन अलॉन्ग विद श्रीनिवास रामानुजन जो मैथ्स वाले थे टू बी फेलोज ऑफ रॉयल सोसाइटी इन 1920. इट वॉज अ बिग डील एट दैट टाइम. अच्छा, ही वॉज द प्रेजिडेंट, दिस कैन बी इम्पोर्टेंट, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द 14th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इन 1927. 1927 में मॉडर्न हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, एक कमीशन बना था. आपको नाम पता है? जल्दी से बताइए, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, 10:56 हो चुके हैं. जल्दी से बताइए विद इन 2 मिनट्स की 1927 में एक इम्पोर्टेंट कमीशन बनी थी, उसका नाम क्या था? यस यस, साइमन कमीशन. सुमन लिखा है बट आई थिंक साइमन लिखना चाह रहे थे आप, राइट? साइमन कमीशन डिसम्बर में एक्चुअली बन गई थी. साइमन कमीशन ये इंडिया 1928 में आई थी, और इसको इसी को क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं, इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में. और चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बतानी थी बट पता नहीं एकदम से ब्लैंक हो गई मैं. ओके आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स रिसर्च ऑन मिलीमीटर वेव्स. जो अभी रेडियो बनाते हैं ना, रेडियो सिग्नल्स जो हमारी अभी बहुत फेमस है, बोलते हैं कि मैक्रोनी ने, मैक्रोनी जो साइंटिस्ट थे, मार्कोनी जो साइंटिस्ट थे, उनने इजाद किया था रेडियो कम्युनिकेशन का. बट एक्चुअली ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी थी ये हमारे जेसी बोस जी की थी, बट क्या बोलते हैं इसे, थेफ्ट हो गया उनका इंटेलेक्चुअल जो आइडिया था उसका थेफ्ट हो गया. और अभी हम जानते हैं कि मार्कोनी ने, बोला जाता है कि रेडियो वेव्स जो रेडियो कम्युनिकेशन है, जो सेल टावर्स का कम्युनिकेशन है ना, ये अभी जो हम सेलफोन से बात करते हैं, वो मार्कोनी इसके जनक है बोलते हैं, बट एक्चुअली में जेसी बोस है. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्या कर सकते हैं, चोरी कर लिया उन्होंने. बट स्टिल जेसी बोस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रेडियो साइंस, एज ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड द रेडियो टेक्नोलॉजी. तो दिस इज अ लिटिल आइडिया. अच्छा, जेसी बोस फर्स्ट थे इंडिया में जिनने साइंस फिक्शन लिखी थी बंगाली में. और साइंस फिक्शन का नाम क्या था इनकी? निरुद्धेश्वर कहानी, द स्टोरी ऑफ मिसिंग वन, दिस इज इम्पोर्टेंट. और पालतू तूफान, ये भी इनकी बुक है, साइंस फिक्शन है, प्लीज कीप दिस इन माइंड. अच्छा, जो बायोलॉजी में इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? सीजनल इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, कि कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पे, कैसे सीजन का इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पे, इस पे उन्होंने स्टडी किया. एंड ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ टू स्टडी प्लांट्स. क्रेस्कोग्राफ क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द माइन्यूट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड मेजर इन द रेट ऑफ ग्रोथ. आपने ये टच में नॉट प्लांट देखा होगा ना, जैसे ही छूते बराबर उसके जो पत्तियां होती है वो ऐसे श्रिंक कर जाती है, फोल्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, राइट? तो ये होता है हमारा क्या, स्टिमुलाई, है ना? तो ऐसे स्टिमुलाई जो प्लांट पर डे कितना ग्रोथ करता है उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ को बनाया था. और ही प्रूव दैट द प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ एंड इट हैज अ नर्वस सिस्टम. ओके, इनने ये प्रूव किया था. और बायोफिजिक्स और साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कंट्रोल दैट कम्युनिकेशन, कैसे हम कितना किससे बात करना चाहते हैं, दैट इज साइबरनेटिक्स. और बायोफिजिक्स, हिज मेजरमेंट्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन प्लांट ग्रोथ इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट एरिया इन द प्लांट ऑफ बायोफिजिक्स एंड साइबरनेटिक्स. ही शोड दैट द लिविंग सेल्स ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ होता है कॉर्टेक्स का, एंड आउटर लेयर ऑफ द स्टेम, जो आपको छाल बोलते हैं ना, उस छाल का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, उस छाल को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना? तो कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, वो मानते हैं कि वो पल्सरी मोशन करते हैं. पल्सरी मोशन क्या होता है? सिमिलर जैसे पीरियोडिक मोशन होता है ना, जैसे हमारे हार्ट का मोशन होता है पीरियोडिक धुक 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 धुक, तो ये वाला जो पीरियोडिक रिदमिक बीटिंग होती है, वैसे ही पल्सरीली मोशन करते कौन से? हमारे जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है. और इसी के कारण हमारा जो पानी है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, है ना? ट्रांसपिरेशन वगैरह दिस एंड दैट, वो उसमें हम नहीं जा रहे. तो उनने इसका साइंस दिया था. दिस पल्सेशन कॉज द पंपिंग ऑफ वाटर, ये हम पढ़ चुके हैं. In this field, he has इनके दो works published हुए हैं, research in living and non-living and the nervous mechanism of the plants.
ओके तो थोड़ा सा ये हो गया. देन वी हैव डब्ल्यू बोसॉन. रिसेंटली साइंटिस्ट ने फंडामेंटल पार्टिकल डब्ल्यू बोसॉन को फाइंड किया है एलएचसी में. ये जितने दिए हैं ना, अप चार्म टॉप डाउन स्ट्रेंज बॉटम, ये सब न्यूक्लियर जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके प्रॉपर्टीज है ना. ये सब जो दिए हैं ये सब पार्टिकल्स है, ये हमको पार्टिकल के तौर पे दिखते हैं. तो न्यूक्लियर या पार्टिकल फिजिक्स में इनको पार्टिकल माना जाता है और ये इनकी प्रॉपर्टी मानी गई है. और इनमें से कोई तीन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इजीली स्किपेबल. तो ये क्या है, इट हैज अ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर मास देन द थियोराइज्ड स्टैंडर्ड मॉडल. तो स्टैंडर्ड मॉडल ये है, इससे इसमें कुछ थ्योरी दी थी कि डब्ल्यू बोसॉन का इतना होगा मास, पर इस मास से काफी जो हमको मिला है उस मास से काफी बड़ा मास मिला है हमारे डब्ल्यू बोसॉन को. तो ये थोड़ा सा डेंजरस, मतलब साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, सेट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुला एंड मेजरमेंट डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड द इंटरेक्शन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इजिली स्किप कर सकते हो आप. कंसिस्ट ऑफ टू फंडामेंटल मैटर्स, छोड़ दीजिए आगे बढ़िए. मंथन प्लेटफॉर्म किसका है, लॉन्च बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो. फिर हम आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, दैट इज श्योर सर्व का. सर्व का एक इनिशिएटिव है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, और ये इज अ न्यू इनोवेशन स्कीम फॉर हाई एंड रिसर्च. रिसर्च करने के लिए न्यू इनोवेशन स्कीम है. सर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्व इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसे 2009 में न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया था. ओके वृतिका नॉट इम्पोर्टेंट, आगे बढ़िए. स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन, ये स्पार्क का फुल फॉर्म यू शुड नो, ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने ऑफर किया है रिसर्च फेलोशिप टू यंग अंडर ग्रेजुएट्स. और सीसीआरएएस, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इट इज एन एपेक्स बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ओके दिस इज यूजलेस. निधि के बारे में आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि निधि इज अ फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो. और निधि प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, डीएसटी ने लॉन्च किया था. इसमें एक इम्पॉर्टेंट है बायोप्लास्टिक्स. तो बायोप्लास्टिक्स क्या है, आजकल आप ये रिलायंस स्मार्ट वगैरह जाते होंगे, एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक आता है, बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल होता है. तो जो हमारे प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल बन रहे हैं आजकल, उनको बोलते हैं हम बायोप्लास्टिक. देन वी हैव साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना सीएसआर, वैसे ही साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. डीएसटी ने रिलीज की है गाइडलाइन साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. एथिकल ऑब्लिगेशन क्या है एसएसआर, एथिकल ऑब्लिगेशन है ऑफ नॉलेज वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूट टू द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी. एवरी नॉलेज इंस्टीट्यूशन, इसके की हाइलाइट्स क्या है, तो पहले तो आपको ये समझना आ गया कि एथिकल ऑब्लिगेशन है नॉलेज वर्कर्स की हर ब्रांच में ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका गाइडलाइन है एसएसआर. हाइलाइट्स का है, एवरी नॉलेज इंस्टीट्यूट वुड प्रिपेयर इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन कंसल्टेशन विद अनदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर अचीविंग इट्स एसएसआर गोल्स. ठीक है, उसके बाद एसएसआर असेसमेंट सेल होंगे ईच इंस्टीट्यूशन में, इंक्लूडिंग एंकर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होगा उनके पास भी. और एसएसआर इनिशिएटिव क्या है, इनको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आप ही को करना है. अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्क करता है, तो एसएसआर को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आप करना ही खुद ही करना पड़ेगा. ओके ग्राफीन क्या है, एक एलोट्रोप है कार्बन की. एलोट्रोप क्या होता है, जैसे ग्राफीन है, उसके बाद हमारे पास डायमंड है, उसके बाद हमारे पास कोल है. ये सब क्या है, सब बेसिक लेवल पे किससे बने हैं, सब बेसिक लेवल पे बना है हमारे कार्बन से, पर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. सॉरी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इसलिए ये अलग अलग चीजें बना लेते हैं. तो कार्बन है एट द बेसिक लेवल, पर क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है तो ये ग्राफीन बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, कोल बन जाते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो अ सेंटर ऑन नैनो नैनो एंड सॉफ्ट साइंसेस टीम हैज डेवलप्ड ग्राफीन स्टेबलाइज्ड ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल दैट कैन मेक मोर ड्यूरेबल एंड बेटर रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले लेजर डिवाइसेस. ओके फोटोनिक क्रिस्टल्स क्या है, एन ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर इन विच रिलेटिव इंडेक्स चेंजेस पीरियोडिकली. क्या है, नैनो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बस आपको ये याद होना चाहिए कि पीरियोडिकली इनका रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे
एयर से जब ग्लास में आती है लाइट तो आपको बेंड होती हुई दिखती है ना। एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी ना कभी बचपन में, कभी देखेगा ग्लास स्लैब से, कभी आप देखेगा आपको चीजें थोड़ी जो उसके एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ी सी चेंज होती है। तो ये होता है, ये क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज के कारण होता है। तो फोटोनिक क्रिस्टल क्या है कि ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस पीरियोडिकली, बस ये पता होना चाहिए आपको। ग्राफीन क्या है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स टाइटली बॉन्ड इन हेक्सागोनल हनी कोम लैटिस, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ओके, इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल इज अ कलरलेस एंड ओडोरलेस अल्कोहलिक कंपाउंड दैट कैन बी फेटल इफ कंज्यूम्ड, मतलब अगर हमने खा लिया तो इसे इट इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी, इट इज अ सिरपी और विस्कस लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड के तौर पे रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट रहता है। ऑटोमोटिव में ये एंटी फ्रीज के तौर पे यूज, एंटी फ्रीज क्या होता है, तो एकदम जैसे जम्मू कश्मीर है यहाँ पे हर कभी आइस पड़ जाती है, मतलब स्नो फॉल हो जाता है, राइट। तो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो कार्स हैं, जो उसमें जो रेडियस रेडिएटर्स होता है उसमें पानी की जरूरत होती है, पानी हो जाता है फ्रीज, राइट। तो पानी फ्रीज हो जाता है तो आप क्या होता है फिर नेक्स्ट टाइम आप उठा नहीं पाते कार, कौन नहीं कर पाते अनटिल एंड अनलेस आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा गर्म नहीं हो जाता। तो क्या करते हैं कि जो वो रेडिएटर में जो पानी मिक्स करना रहता है ना उसमें इथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब अगर 0 डिग्री पे हमारी जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, राइट, तो इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाने से 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता, वो माइनस नहीं, लेट सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, -20 -30 डिग्रीज पे फ्रीज होगा। तो ये वाला टेम्परेचर तो इतने मतलब इतना तो टेम्परेचर लो नहीं होता ना, 0 से लो नहीं होता कुछ रीजन में, और भी रीजन में जहाँ लो होता है तो वहाँ कुछ और मैकेनिज्म होता है, बट जहाँ पे थोड़ा बहुत -5 -4 डिग्री तक होता है वहाँ पे हम इथिलीन ग्लाइकोल को पानी में यूज कर सकते हैं एज एन एंटी फ्रीज। फिर आते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड, ये DST has discovered a novel material. Novel का मीनिंग क्या होता है, ये novel कहीं भी लगे ना उसका मीनिंग होता है नया, novel आप जो होते हैं पढ़ने वाले जो चीजें होती हैं वो भी उसका मीनिंग होता है कुछ नया, फिक्शन जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो novel material कुछ नया मटेरियल कॉल्ड है सिंगल क्रिस्टलाइन SCN स्कैनाइट नाइट्राइड स्कैंडियम नाइट्राइड दैट कैन कन्वर्ट इंफ्रा रेड लाइट टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड इंफ्रा रेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज करता है। इट कैन एमिट डिटेक्ट एंड मॉड्यूलेट इंफ्रा रेड लाइट एंड हाई एफिशिएंसी। इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ मटेरियल्स एज गैलियम नाइट्राइड एंड इज कंपैटिबल विद मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे कंप्यूटर वगैरह में भी यूज किया जा सकता है। बॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल, जैसे ही नैनो वर्ड यूज होता है ना इसका मतलब होता है 10^-9, मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल का साइज कितना होता है 10^-9 meters, है ना। तो जैसे हम नैनो पार्टिकल्स में आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, जो हमें गोल्ड दिखता है जो हम यूज करते हैं चेन्स या रिंग्स, है ना, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे ही गोल्ड नैनो पार्टिकल बन जाता है मतलब उसका साइज 10^-9 हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो हम इट हैज बीन डेवलप्ड, ये जो है कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैज बीन डेवलप्ड टू मेक ड्रग डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी फास्टर एंड श्योरर। तो दिस इज अ लिटिल थिंग दैट यू नीड टू नो। नेक्स्ट मेलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस थिंग आपको याद होना चाहिए कि ये टर्म क्या है। दिस टर्म इज हाउ मायन पीपल यूज टू फोर्टिफाई देयर मेज, जो मैं फोर्टिफिकेशन बता रही थी ना, कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करना है इस फोर्टिफिकेशन। तो माया के पीपल, माया कहाँ है, साउथ अमेरिका में जो मायन सिविलाइजेशन थी जिसने बोला था कि 2012 में, बोला नहीं था, उनका कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि 2012 में खत्म हो जाएगी दुनिया। तो मायन पीपल ने कैसे अपने मेज को फोर्टिफाई करते थे, क्या केमिकल्स को यूज करते थे, कैसे केमिकल चेंजेस करते थे, उसका नाम है निक्स्टमलाइजेशन। निक्स्टमलाइजेशन इज अ मेथड बाय विच एंशियंट पीपल ऑफ मेसो अमेरिका, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका लाइक द माया, यूज टू सोक करते थे किसको, मेज, एंड कुक देयर मेज इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड मेक इट मोर पैलेटेबल न्यूट्रिशियस एंड नॉन टॉक्सिक। होता क्या है कि हमारा जो मेज है ना, जब ये ऐसे इसको फोर्टिफाई करते थे तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता था, और वो फंगस क्या करते हैं, मायोटॉक्सिन्स। मायोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, मायोटॉक्सिन्स आर द टॉक्सिन्स दैट आर प्रोड्यूस बाय द फंगस। तो मायोटॉक्सिन ऐसे डेवलप हो जाते थे, तो इस मेथड से वो मायोटॉक्सिन जो डेवलप हो जाते थे मेज में बिकॉज ऑफ द फंगस दैट इट दैट इन्फेक्टेड
इट वो मायोटॉक्सिन्स को भी निकाल देते थे निक्सटामलाइजेशन से, और ये जो प्रोसेस था इंश्योर करता था कि मेज में अमीनो एसिड्स भी हो, कैल्शियम भी हो, विटामिन B2 भी हो, और ये सब ह्यूमन बॉडी हमारी मेज खाने से यूटिलाइज कर पाए। तो आई थिंक वी आर डन विद साइंस, इट नहीं डन नहीं है, अपडेटेड भी है। तो अपडेटेड अब मैं कोशिश करूंगी कि कल ही कर दूं कि हम जल्दी से खत्म कर पाए, और भी चीजें तो रिवाइज करनी है हमें। तो कल प्रोबेबली कल एक और क्लास होगी साइंस एंड टेक की, एंड देन वी विल बी कंप्लीट विद SNT का रिवीजन। तो थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर अस फॉर मी टू कंप्लीट। द सेशन इज नाउ ओवर, यू गाइस कैन लीव। कुछ पूछना है आपको पारुल? एक और अपडेटेड आ रही है मई में, एक और अपडेटेड तो आएगी मई में, तो देखेंगे जब, अगर शायद वो विकास सर करवाए। ओके, तो वी आर डन। कुछ आई थिंक और डाउट वगैरह नहीं है? अगर डाउट है तो प्लीज यूज द ग्रुप टू आस्क क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया, पसंद इन द सेंस समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि हम स्टिक करें टू द थिंग्स दैट आर रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, वरना इररेलेवेंट चीज तो है वो डिफेंस वाले मिसाइल्स। तो मुझे सारे मिसाइल्स की चीजें रटी हुई है, मतलब मुझे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बताने लायक तो बहुत सारी चीजें हैं, बट सब इम्पोर्टेंट नहीं है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए वी आर कीपिंग इट शॉर्ट। आई होप रिविजन वॉज गुड फॉर यू। यू गाइस कैन लीव। थैंक यू फॉर पेशेंटली अटेंडिंग। बाय।